Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फिर से ईद मुबारक कहने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर इस लॉन्ग वीक है। आई रियली फेल्ट इट कि मुझे फिर से कहना है ईद मुबारक। हाँ, यू आर राइट. मुझे भी लेकिन ऐसा ही लग रहा था. देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि नहीं रहा, ये कहने की जरूरत नहीं है. खैर, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा वो बिकॉज इतनी लंबे लिस्टेड ड्रामों की, देयर आर जस्ट सो मेनी ड्रामास, यू नो. ड्रामा ड्रामा एंड मोर ड्रामा कमिंग अप ऑन ड्रामा गप विद राबिया एंड शाजिया। अब पहले ड्रामा से आपने पहले कोई बात करनी है तो आप फरमाइए शाजिया, फिर हम ड्रामों की तरफ जाते हैं. अब आज मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रामास और लग रहा है कि एक मैनिक मंडे है, जबकि एक्चुअली ट्यूसडे है एंड देयर इज टू मच गोइंग ऑन। सो लेट्स जस्ट ओ माय डाइव इन। गॉडनेस, शाजिया आप ये कह रही हैं? ये तो यूजुअली मेरा स्टांस होता है, मैं भाग रही होती हूँ, ये आप कह रही हैं? वाओ, आई एम देयर इज टू मच हैपनिंग। सो वी हैव जी कुछ अनकही, वी हैव यूं ही, मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिन की 2 एपिसोड्स, देन वी हैव मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क में, राइट, एंड वी हैव बंदिश टू. आर या दीज तेरे द बिन, क्या तेरे बिन, या तेरे बिन मैंने कर लिया. हाँ, सो वी हैव 7 ड्रामास. प्यारी मोना, ओह, 8 ड्रामास. ओके, लेट्स स्टार्ट. विच वन डू यू वांट टू वी स्टार्ट विद फर्स्ट? इवन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कैन स्टार्ट विद बंदिश टू सी, बिकॉज आई हैवंट वॉच दैट वन। आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, आई नो कि उसमें कुछ भूत बंगला टाइप चीज नजर आ रही थी मुझे, लेकिन आई डिडंट हैव टाइम। तो आप बता दें क्या सो होता है। हॉरर ड्रामा है, हॉरर का जॉनर है. मैंने बंदिश 1 नहीं देखा हुआ, लेकिन बंदिश 2 की बहुत बात थी और बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे तो मैंने देखा. पहले एपिसोड इंटरेस्टिंग है. उन्होंने अब मुझे ये नहीं पता कि इसका कनेक्शन बंदिश 1 से है या नहीं, मेरी गलती, मुझे शायद मालूम कर लेना चाहिए था. अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है. खैर, अभी ये दिखाया कि 2 भाइयों की फैमिलीज हैं, दोनों भाइयों के बीच में कुछ मसला हुआ था जायदाद पे, दोनों भाइयों की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से जो 2 फैमिलीज है ना, वो दे आर अगेंस्ट ईच अदर. तो एक जगह जैनब कयूम है जो छोटे भाई की बीवी है, और एक जगह सानिया सईद है जो बड़े भाई की बीवी है. सो ये 2 फैमिलीज हैं. अब ये इतने सालों बाद दोबारा आई हैं, और जो सानिया सईद की फैमिली है वो काफी अरसे बाद वापस अपने घर में आई है, पुराने घर में, विच इज सपोज टू बी हॉन्टेड. अब दिखाया तो उन्होंने है कि ये हॉन्टेड है, फील वैसे ही दी है, ठीक है, कि उधर कुछ है, कुछ अभी तक दिखाया नहीं है पहले एपिसोड में कुछ ऐसा, सच सिर्फ जो जो फील होती है ना, कि कोई देख रहा है, कुछ इधर हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसी ऐसी फील उन्होंने दी है, बट एज सच कोई मखलूक अदर देन ह्यूमंस उन्होंने नहीं दिखाई है. लेकिन जैनब जो है वो अपने बेटे का रिश्ता अपनी भतीजी के लिए लेके जाती है, जो मना हो जाता है. तो अब वो गुस्से में किसी के पास गई है और उनसे कहा है कि मुझे जायदाद भी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से जो बदतमीजी हुई उसका बदला भी लिया जाए. तो अब कुछ जादू टोना आ गया, उन्होंने कहा ये सब हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो. तो अब आगे क्या होगा अभी तक मुझे इतना पता है. इट लुक्स इंटरेस्टिंग. अफान वहीद को हम बड़े अरसे बाद देख रहे हैं, आमना इलियास को हम बड़े अरसे बाद देख रहे हैं, तो मुझे ये 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. कुछ फ्रेश पेयरिंग, कुछ फ्रेश फेसेस नजर आ रहे हैं, यू नो. तो उसको देखने में मजा आ रहा था आपको. अदरवाइज द ड्रामा वाज ओके, पेस वाज ओके, काफी तेजी से चीजें हुई, उन्होंने एक बेसिक स्टोरी लाइन आपके लिए एस्टेब्लिश कर दी है. आगे देखते हैं कि क्या होता है, सेकेंड एपिसोड पे पता चलेगा. इट्स ओके, आई एम गोना वॉच इट टू सी के क्वालिटी ऑफ हॉरर ड्रामाज कैसा है, इज इट रियली स्केरी, यू नो, इफेक्ट्स कैसे हैं, स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, तो देखते हैं. एंड सानिया सईद है तो आई एम गोना वॉच इट. Who's the director? आई डोंट रिमेम्बर, आई कैन, Sorry, कितना गलत बदतमीजी वाला सवाल पूछ लिया शाजिया ने। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, पता तुम पहले I नहीं आप कभी कभी wanted to compare it to Neeli Zinda Hai. That was my only purpose. आबिस रज़ा ने इसको डायरेक्ट किया है. मुझे एक्चुअली याद था, इस वक्त मेरे जहन से भूल गया, मैंने देखा था कि किस. एंड राइटर 2 हैं इस बार, ये एक चेंज हुआ, सैयद नबील एंड शाहिद निजामी, दे आर 2 राइटर्स. सो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी थी, सो लेट्स सी क्या होता है. क्योंकि हमने नीली जिंदा है रबिया, नॉर्मली एक जरूर ड्रामा आता है ऐसा जो टच करता है इन टॉपिक्स के ऊपर, एंड उसपे डायरेक्टर का बड़ा राइटर का तो होता है ये, स्क्रिप्ट हैज टू बी वेल नेट, के वो एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, लेकिन वो इतनी मिस्ट्री ना हो कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो, लेकिन द डायरेक्टर ऊपर काफी जिम्मेदारी होती तो है आई फील इन नीली दिस काइंड जिंदा ऑफ। है ना, वो हॉरर नहीं था, वो एक रूह की कहानी थी, उसका बदला इन एवरीथिंग. ये मुझे लगता है एक्चुअली शायद हॉरर ड्रामा हो. लाइक नीली जिंदा है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट मुझे उतना हॉरर नहीं लग रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, हमें देखी थी कि अच्छा. लेकिन वो डर आपको नहीं लग रहा था ना, जो डर आप, बिकॉज यू न्यू कि नीली की कोई कहानी है, नीली का क्या होगा,
नीली उनको यू नो, बट दिस इज डिफरेंट. दिस इज जो टीजर में ओके, दिखाया है उससे भी आपको डर लग रहा है. कास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एग्री. मैंने भी शुरू का देखा था, फिर हमारा ड्रामा कब शुरू होने वाला था, सो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच इट. ओके, ओके, सेकंड तो ड्रामा. तेरे इश्क के नाम करना है आपको या मैं नाम मोहब्बत गुमशुदा मेरी. तेरे इश्क के नाम. ओके, सो तेरे इश्क के नाम इज अहमद भट्टी, डायरेक्शन एंड माहा मलिक इज द राइटर. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि उसमें एक तो हिबा बुखारी है, देन देर इज उसामा खान, देर इज जावियार, एंड देर इज द रिटर्न ऑफ जमाल शाह हुम आई हैव नॉट सीन इन अ रियली Nine. So a lot of the young viewers might never have seen him on TV unless आपने पुराने ड्रामे देखे हो. तो it was nice to see. And I have to say the man hasn't aged. He's looking young, just like I saw him a long time ago on the TV screen. So that's a shout out for you if you want to watch. कहानी आप बताएं क्या हो रहा है उसमें. ट्रायंगल हो रहा है. हाँ, एक थोड़ा तेरे इश्क के नाम में मेरे डबल व्यूज हैं. एक तरह मुझे कहानी टिपिकल ही लग रही है कि वो ट्रायंगल है, ठीक है, दो लड़के एक लड़की, और वो लड़की थोड़ी मगरूर दिखाई है, और एक को वो बिल्कुल लुक डाउन करी और दूसरे के पीछे बिल्कुल मरी जा रही है. थोड़ी सी यू नो लाइक कुछ नया नहीं है, थोड़ा पुराना फ्लेवर टाइप लग रहा है. लेकिन ऑन द अदर हैंड पेयरिंग फ्रेश है ये तीनों. मुझे नहीं याद पड़ता कि साथ आए हैं इससे पहले, तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा है. और स्टोरी का ना, स्टोरी अगर आप देखें तो इससे इंटरेस्टिंग है. जो हीरो है, जो उसामा का कैरेक्टर है, ही इज वन ऑफ द हीरोज. ही इज नॉट परफेक्ट, सो उसको, और वो नेगेटिव भी नहीं है, राइट? ही इज नॉट नेगेटिव, ही इज नॉट, ही इज लाइक, ही सेज कि मैं चाहता नहीं हूँ मेरी बीवी मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हो, बट ही इज वेरी नाइस टू हर. ही लव्स हर, ही वॉन्ट्स हर कि वो आ जाए, उसे शादी हो जाए. तो यू लाइक, ये बड़ा ग्रे किस्म का कैरेक्टर है. एंड आई थिंक उसामा इज डूइंग अ गुड जॉब. यूजली अभी रिसेंटली हमने उनको बड़े ना वो एक खास किस्म के कैरेक्टर्स में देखा था, तो इससे वो जरा अपने जो यूजुअल कैरेक्टर होते हैं उससे बाहर निकल के उन्होंने परफॉर्म किया है. वो एक सीन है जहाँ ईगल आई थिंक उनके यहाँ बैठा होता है, वो भी बड़ा यू नो, उनके एक्सप्रेशन आर मच सॉलिड एंड मोर सॉलिड एंड मोर मेच्योर आई फील इन दिस कैरेक्टर. देन जावियार को अगर आप लें तो वो भी एक डिफरेंट उनकी केमिस्ट्री है विद हिबा के कैरेक्टर के. वो ऑल्दो धीमे है बट ही इज नॉट मजलूम. वो उसका होमवर्क नहीं, उसने उसकी असाइनमेंट नहीं करके दी जब हिबा का कैरेक्टर आता है, और वो उसका जला देती है, तब भी वो उसकी बातों में नहीं आता. लाइक सो इस तरीके से अगर देखें तो स्टोरी के टिपिकल होने के बावजूद द कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट. एंड हिबा को हम एक डिफरेंट रोल में देख रहे हैं. उन्होंने भी मेरे हमनशीं किया था, तो उसमें भी बड़ी ब्रेव और बोल्ड लड़की थी, लेकिन यहाँ थोड़ी नखरीली और मगरूर और बदतमीज किस्म की लड़की दिखाई है. सो ऑल थ्री ऑफ देम ठीक ठाक. ऑल थ्री ऑफ देम आर हाँ डूइंग समथिंग विच इज डिफरेंट एंड रिफ्रेशिंग. तो मुझे मुझे अच्छा लग रहा है. आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. मुझे बड़ा मजा आया जब उसने जाके जला दी उसकी शर्ट. भैया, व्हाट काइंड ऑफ तुम्हारे अंदर कौन सी रूह बैठी हुई है मुझे ये बता दो. बड़ा मजा आया, मैं तो गई थी ओफ ये देखो जला दी जाके. वो मुझे इंटरेस्ट, बिकॉज यूजली अच्छा होता ही है कि आप या तो हाफ हार्टेड काम करते हैं या बिल्कुल ओवर द टॉप कर लेते हैं. अब हिबा का जो कैरेक्टर है वो ओवर द टॉप नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ मुझे. वो एक वो सटल तरीके से बदतमीज है, यू नो लाइक उसने एक वो जो एक साइलेंट बदतमीजी होती है ना, साइलेंट गरूर होता है, वो उनके अंदर आ रहा है. तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, इतना मुश्किल नहीं लग रहा देखना, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट इट वॉज जस्ट लाइक इसने इसको इसको ये इतनी मीन है कि इस That's, I just found it very interesting. Again, she's the heroine of our drama. अब उसका भी journey होगा. But you see her doing these kind of mean things and वो उसके पीछे पड़ी हुई है कि उसको तो तुम्हें अच्छा, एक्चुअली राबिया यू हिट द नेल. द थिंग इज कि हमने अभी तक हिबा को जो है ना बड़ी सती सावित्री गुड गर्ल कैरेक्टर्स में देखा है. तो जब हमने ये देखा, इसलिए आपको मजा आ रहा है कि वो उठा के कमीज चला रही है. बिकॉज मच एज वी ट्राई कि हम कैरेक्टर को ही देखें, लेकिन हमने उस एक्टर को ऐसा करते हुए नहीं देखा है अभी तक. सो मे बी दैट्स वाई वी आर एंजॉइंग द रिफ्रेशिंग चेंज. देर इज ऑल्सो यशमा ओवर हियर, यशमा गिल, जो थोड़ा सा जेलसी फैक्टर वहां आ रहा है, एंड शी इज नॉट लाइकिंग दैट हिबा रुतबा इज गेटिंग व्हाट शी वांट्स. और उनको भी अल्तमश पसंद है उसामा कैरेक्टर. तो वहां जाके कोई एक ट्विस्ट आती है. बट डिड यू थिंक कि वो मना कर देंगे शादी से, उनके अब्बा नहीं, इंगेजमेंट से. मुझे नहीं लग रहा था, बट आई वॉज सरप्राइज एंड आई लाइक इट दैट ही टुक अ स्टैंड एंड ही मेड श्योर कि उसने कहा कि नहीं भाई, ये पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के बगैर नहीं जाएगा. और लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने यू नो अल्तमश के कैरेक्टर को
सबके सामने किया कि पढ़े लिखे वो जब लेकर आता है जावियर का कैरेक्टर, यू नो एक्सेस, वो मुझे नहीं अच्छा लगा. बिकॉज फिर आपने अल्तमश की ईगो को बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिया ना, बहुत ज्यादा चाबी दे दी. अब वो तो, और एंड एक और चीज मुझे लगी, तुम देखो कितनी सटल मूवमेंट थी, जब वो जाता है उठ के चले जाते हैं तो हिबा जो है वो देखती है उसामा की तरफ, एंड वो कुछ करती है सॉरी या पता नहीं ऐसे करती है, एंड उसामा जस्ट डस दिस एंड ही वॉक्स अवे. ही इज लाइक कि नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ वेरी सटल कम्युनिकेशन दैट हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम एंड द वे कैमरा कॉट इट. तो अहमद भट्टी जो है ना, वो अक्सर मतलब यू ही गिव्स यू दिस काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, इंटरेस्टिंग यू नो परफॉर्मेंसेज बाय द एक्टर्स. And it will also justify what maybe Altamash will do later on, क्योंकि उनको यहाँ ठेस पहुंची है जब उनके उन्होंने कहा है. Okay, yeah, so an interesting watch. I think we can go on. The next one is Mohabbat Ya Meri. You want to go on? नहीं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, पहला इम्प्रेशन आपका, आप बताइए. So, मुझे अच्छा भी लग रहा था. मुझे थोड़ा सा ओवर द टॉप नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जहां ये लोग फ्रेंड्स का इंटरेक्शन दिखाते तो हमेशा हमारे ड्रामे थोड़े से डूब जाते हैं. But initial reaction, Khushal Khan and we had Dana Neel. It was fun to watch the two of them. एक तो I'm so glad क्योंकि खुशाल को हमने repetitively अलग अलग characters में देखा है. He changes his look. बहुत दफा young characters आते हैं, उनको एक दो दफा chance मिलती है, फिर आगे नहीं मिलती. कभी कभी he has always performed on point in every character he has. चाहे हम स्क्रिप्ट से खुश नहीं हो, चाहे हम कैरेक्टर डेवलपमेंट से, लेकिन ही हैज गिवन हिज 100%. सो आई एम सो ग्लैड दैट वी आर सीइंग हिम बैक जल्दी जल्दी इन डिफरेंट ड्रामास. दाना नीर का बड़ा डिफरेंट अप्रोच है. आई होप दे टच अपॉन टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू द यूथ. जब ये लोग यंग कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को देखते हैं, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था यहाँ ये हो रहा है. जिस तरह वो घर से जाती हैं अपने अम्मा अब्बा को बगैर बताए, एंड ऑल्सो इट्स वेरी फास्ट. काफी कुछ हो गया पहले एपिसोड में. व्हाट अबाउट यू? या यू आर राइट, मुझे बहुत मजा आया देख के. आई हैव फ्यू रिजर्वेशंस व्हिच आई विल टॉक अबाउट. अच्छा शादी, डिड यू नो इसकी राइटर कौन है? राहत जबीन, हु वाज आल्सो द राइटर ऑफ सफर तमाम हुआ, और शाहिद शफात ने इसको डायरेक्ट किया. सो तुम्हें याद है सफर तमाम हुआ, हम दोनों ने देखा तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. एंड तो मुझे होप है कि इधर हमको एक डिफरेंट स्टोरी देखेंगे, कुछ हमें मीनिंगफुल नजर आएगा. यू नो इट विल नॉट बी समथिंग जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट विल हैव अ मैसेज, मुझे लगता है. यू नो तो मुझे ये एक्साइटमेंट हुई थी. ड्रामा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि फ्रेश पेयरिंग है. और तुमने बिल्कुल सही कहा कि खुशहाल हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और अभी भी उनकी परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड. आई डिड फाइंड दाना नीर कैरेक्टर्स परफॉर्मेंस पोर्ट्रेल अ लिटिल ओवर द टॉप, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपने किसी को बहुत चर्पी दिखाना है, बहुत शरारती दिखाना है, बहुत बोल्ड इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो उसके लिए ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस कभी कभी कराने की जरूरत नहीं है. लाइक उनकी परफॉर्मेंस ऐसे ऐसी थी, जहां जहां वो जब वो कुछ जगहों पे लाइक व्हेन शी इज फाइटिंग विद खुशहाल कैरेक्टर, आई लाइक इट. यू नो इट सीम्ड नेचुरल, बट समवेयर सम प्लेसेस इट डिड सीम अ लिटिल यू नो ओवर द टॉप. एंड आई रियली विश कि इस चीज को कट डाउन कर दें गोइंग फॉरवर्ड इन आर ड्रामास, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती. आप जो ड्रामे का मजा होता है ना, यू टेक अवे फ्रॉम इट. एंड ऑल्सो देन ऑल द कैरेक्टर्स लुक द सेम वे. अभी रमजान में हमने 3 ड्रामे ऐसे देखे, अब हम ये चौथा ड्रामा देख रहे हैं, तो हमें क्या इंटरेस्टिंग लगेगा बिल्कुल. उस हीरोइन में? हम क्यों उस हीरोइन को ज्यादा अटेंशन देंगे? हम उस हीरोइन को क्यों सीरियसली लेंगे? ठीक है, तो आपने मुझे समझ आ रही है कि आपने दिखाना है लड़की है, केयर फ्री है, और उसकी इसके साथ रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से झगड़ते बहुत है, लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए. आई ऑल्सो फेट सम ऑफ द प्लेसेज वेन शी इज टॉकिंग, शी वॉज स्माइलिंग अ लिटिल बिट, विच वॉज नॉट नीडेड. सो ये चीजें थोड़ी सी एडिट में और डायरेक्शन में डेफिनेटली इनको हैंडल किया जा सकता है. अदरवाइज आई रियली एंजॉयड द स्टोरी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे डिटेलिंग अच्छी लगी कि वो मास्क लगा के बैठी हुई है, उसको यंग ही दिखाया है कि वो माँ के साथ भी इंटरेक्शन मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा ना नेचुरल नहीं लग रहा था. इट वॉज अ फोर्स्ड बदतमीजी. सी वो दिखाए कि वो रिबेल कर रही है एंड उसको माँ को सुना देती है, बट वो नेचुरल नहीं आ रहा था मुझे. वो बहुत फोर्स्ड किस्म की बदतमीजी लग रही है टू मेक अ पॉइंट टू द व्यूअर्स के ओ देखें जी वो माँ के साथ ऐसे करती है. उसकी उसकी जरूरत ही नहीं है. लेट लेट इट गो नेचुरली. यू नो एक आजकल की बच्चियां वैसे ही जब कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, हम लोग आपस में कभी कभी बात करते हैं तो हम लोग रूड हो जाते हैं, बिकॉज हम अपनी धुन में बात कर रहे होते हैं ना, विदाउट रियलाइजिंग.
तो उसको ऑन पर्पज, ये हमें ना हैमर करने की जरूरत नहीं है एज व्यूअर्स के, ये देखो ये माँ के साथ भी ऐसा करती है, इसकी माँ से बन नहीं रही है, ठीक है वो अच्छा था So I बाकी। like sorry, I'm just going to cut you off a little bit, okay? Then you can go ahead to the next point. इसका जो कैरेक्टर था जोबिया है इसका नाम, दाना नील का, इनके कैरेक्टर में वो बहुत मजे का दिखाया था कि भाई कमरा गंदा है, अम्मा कह रही उठो अभी कमरा साफ कर, बट देन जब वो आगे जाके शॉपिंग की बात करती है ना, और फिर वो बाद में उनके ताया अबू भी कहते हैं कि हाँ भाई कितने पैसे चाहिए दे दो, दैट्स वेन दे वेंट ओवर द टॉप एंड दैट्स एंड द बदतमीजी दैट शी डिड, क्योंकि That now has become a very cliched way of showing कि जी हमने अपनी औलाद को स्पॉइल किया है ये सब करके, तो आप, और जबकि वो मुझे बात अच्छी लगी कि वो छुपा के गई थी, बताया नहीं था पेरेंट्स से, और उसके हाथ पैर भी फूल रहे थे साथ साथ, क्योंकि ये हमने इधर उधर वी सीन दिस सीन प्ले आउट इन आर लाइफ, सो वी रिलेटेड टू दैट, बट वी डिडंट रिलेट टू द शॉपिंग एंड द, कि बेटा जो चाहिए ले लो, जो मांगना है जितने पैसे चाहिए, सो दैट्स द प्रॉब्लम, प्लीज गो ऑन. And of course, it's a young story. It's a young love story. So I'm very excited to watch it. मुझे I liked it कि they both like each other, but they are not admitting, they are discovering. Or you know, usually वो जो होता है कि you pretend you don't you don't like each other, but they are not pretending. They actually are trying to discover feelings for each other. ये वो एक दूसरे को देख रहे हैं और अनोइंगली वो उसको लिए केक लेकर आता है, वो उसके साथ आई है, वो उसको, तो ये मुझे ना ये ट्रीटमेंट जो थी स्टोरी की वो बहुत अच्छी लगी. सो मे बी नाउ वी हैव अ लव स्टोरी विच विल डू वेरी वेल, अल्लाह करे, और हमें मजा आए कोई डिफरेंट लव स्टोरी देखने का ना, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सास बहू और यू नो टिपिकल चीजें. तो एंड देन अगेन खुशहाल का कैरेक्टर, अगेन अगेन उन्होंने ये दिखाया दोनों इमेच्योर भी हैं, ये चीज भी मुझे अच्छी लगी. सो वी आर गोइंग टू सी अ जर्नी ऑफ देम, कि वो लाइसेंस के बगैर निकल गया, वो उसके पीछे पड़ी, फिर पुलिस आई, खैर उसने निकाल लिया उसको वहां से, और वो बिल्कुल हाँ. सो द फर्स्ट एपिसोड एक्चुअली अ लॉट हैपेंड एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एंजॉयड वॉचिंग इट, जस्ट फ्यू थिंग्स आई फील नीड टू बी यू नो ट्वीक्ड अ लिटिल बिट टू मेक इट नेचुरल. और एडिट भी अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो एडिट में भी फिक्स हो सकता है, मुझे लगता है उसको फोर्स नहीं करें चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, या फोर्स्ड उसको फनी या ओवर द टॉप बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट एंड बदतमीजी दिखाने की जरूरत नहीं है. लेट द स्टोरी गो, द स्टोरी इज पावरफुल इनफ फॉर अस टू वॉच इट. अगेन खुशहाल को मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, शादी जब वो लोग गाना गाते हैं, जब वो कहता है गाओ, ही डिड अ रियली गुड जॉब, यू नो ही इज लाइक इट सीम लाइक बिल्कुल ही इज सिंगिंग. सो हमने अक्सर देखा है ड्रामों में कि जो कैरेक्टर हीरो कर रहा होता है वो प्रिटेंड तो कर रहा है बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट यू नो, बट ही एंड मैंने टीजर में भी यही मुझे नोट किया था कि ही एक्चुअली लुक्स लाइक अ सिंगर, यू नो ही उसको देख के फील हो, ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर से किसी ने जबरदस्ती आवाज थोपी. खुशहाल हैज नो इनहिबिशंस बिफोर द लेंस एंड वो बहुत खुल के अपना परफॉर्मेंस देते हैं, विच इज वाई वी लव वॉचिंग हिम ऑन द स्क्रीन एंड विच इज वाई वी आर होपिंग दैट ही गेट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट टू प्ले विथ. अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टोरी डेवलपमेंट, जिस तरह उनको उसको किस तरह थोड़ा थोड़ा ख्याल आया दैट मे बी ही लाइक्स है, क्योंकि पहले उसने कहा नहीं नहीं शीज अ फ्रेंड, फिर जब उस लड़के ने उसके दोस्त ने आके उससे उल्टी सीधी बातें करी, ही रिएक्टेड एंड सो दैट अगेन द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी वो हमें एबनॉर्मल या बहुत ज्यादा हेस्टी नहीं लगा, बिकॉज हमें भी समझ आया ओ अब ये क्या जवाब देगा, बिकॉज ही लाइक्स हर बट ही डजंट नो इट, तो ये बातें अच्छी थी इस और फाइट भी एपिसोड. बहुत अच्छी थी, द फाइट दैट हैपेंस देयर, वो वाकई मैंने कहा यार उस लड़की का स्कर्ट भी थोड़ा सा हो जाता है, आई थिंक वो बाय मिस्टेक हुआ बट दे लेट इट गो. सो देयर वर गुड पॉइंट्स एंड स्टोरी इंटरेस्टिंग थी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड के क्या होता है, मजा आएगा यस इंशाल्लाह जी. गोइंग ऑन टू मोना प्यारी मोना. ओके भाई, बाबर से बहुत नाराज हूं मैं, लेकिन बाबर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है. एक तरफ वो थोड़ी सी, वो आई वाज सो हैप्पी कि वो थोड़ा सा उन्होंने दो स्टेप्स लिए टुवर्ड्स मोना और फिर वो वापस पीछे हट गए, एंड देन ही वाज रियली मीन विद हर. व्हाट यू हैव टू से, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? सबसे पहले अदील हुसैन इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ शोइंग या अस दिस पर्सन हु इज कंफ्यूज्ड, वो फंसा हुआ है. एंड सिर्फ मुझे मसला ये है, जो पिछली एपिसोड थी इस वीक की नहीं उससे पिछले हफ्ते की जो हम रिव्यू नहीं कर पाए, उसमें जब वो आके मोना को अप्रोच करता है और उससे कहता है मैं तुमसे तुम्हारी बात करना चाह रहा था और तुम सामिया की बात कर रही थी, समिया की बात कर रही थी, एंड शी सेज यस के इज इट अ ख्वाब, ये ख्वाब तो नहीं है, मैं उठूंगी और फिर वही सब चीज होंगी. तो उससे मैंने जाके वो ड्रामा दो दफा वो एपिसोड ना पिछली दोबारा रिवाइंड करके देखी है. आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि बाबर इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे है.
या तो आप इट इट जस्ट दे वर जस्ट फ्यू इंटरेक्शंस बट नन ऑफ द इंटरेक्शंस शोड मी दैट ही इज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मोना इन हिज लाइफ. इनफैक्ट उसके बाद की कुछ चीजें मैंने देखी जिसमें वो जब इससे लड़के जाता है तो वो व्हाट्स द नेम ऑफ द अजी के पास चला जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी बीवी हो या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और वो बहुत इरिटेटेड है. मुझे वहां उसकी कंफ्यूजन, उसकी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा सही समझ आई. मुझे वो ज्यादा फ्लो में बैठा लगा. मुझे नहीं समझ आई व्हाट मेड हिम कम टू मोना. सो एक मुझे वो मोना, कंफ्यूजन, आई फेल्ट कि दैट हैड टू सो टैकल टू बेटर. स्टॉप यू देयर और टू आंसर योर क्वेश्चन, जब ऐसे पॉइंट्स आते हैं किसी भी ड्रामे में जिसमें हमें बैक स्टोरी नहीं बताते, मुझे लगता है कि दे आर रिलाइंग टू मच ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द व्यूअर टू पुट टू एंड टू, नहीं टू एंड फाइव टुगेदर, विच इज टू मच, विच इज नॉट फेयर. क्योंकि आपको थोड़ा सा या तो बाबर का फ्रेम ऑफ माइंड या कुछ सोच या कुछ दिखाना चाहिए कि वो क्यों ऐसा सोच रहा है. एंड यू आर राइट, जैसे दो तीन एपिसोड पहले जब वो तैयार होके आती है और वो बैठती है एंड ही लुक्स एट हर, दैट मेड सेंस टू मी. अगर वहां से वो प्रोग्रेशन दिखाते दैट ही सेज दिस, इट वुड हैव मेड सेंस. लेकिन उन्होंने उसके पीछे कुछ नहीं दिखाया जिससे वो यहाँ प्रोग्रेस, एंड यू आर वेरी राइट. आई मीन यू आर वेरी हैप्पी दैट ही डिड इट, बट वी डिडंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट. And I don't think that I'm sorry, I'm going to disagree here. I just feel it's not that they are leaving it on us to assume. I feel this is a gap in the script in the direction which should have been handled. That's what I'm I saying. do not think that it It is is a gap. so. इट इज अ गैप. इट इज नॉट कि ओके, ये तो ऑडियंस को खुद समझ लेना यही तो चाहिए मैं कह रही हूँ कि ये. वो उनको नहीं करना चाहिए. इट इज अ गैप, बट दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अस. नहीं तो ये एक्सपेक्ट नहीं है, सॉरी, ये गलती है ना, ये हाँ, फॉल्ट है, ये होना चाहिए प्रॉब्लम ना. ओके. है उसमें. ये तो अज्यूम किस बेसिस पे करेंगे, ये तो आपने सही तरीके से हमें स्टोरी नहीं सुनाई है ना. यू ब्रॉट अस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, पॉइंट बी और सी कहाँ चला गया. खैर, लेकिन फॉरगेट दैट. कमिंग टू दैट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट फील समटाइम्स सो बैड शाज़िया दैट दिस ड्रामा इज नॉट गेटिंग द व्यूज दैट इट डिजर्व, जस्ट लाइक पिंजरा, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा है. अगर आप इनको देखें तो मोना और बाबर को उन्होंने लाइक मोना की एक वो दिखाया ना दैट शी हैज वेट इश्यू, ठीक है, एंड पीपल जज. लेकिन मोना को उन्होंने ट्रीट कैसे किया है, लाइक एनी अदर गर्ल. द वे शी रिएक्ट्स कि जब फोन आता है उसके दोस्त का और वो, बाबर ने तुमसे अभी इतनी बड़ी बात कही और तुम चली गई, तुमने फोन, दैट इज समथिंग दैट एनी गर्ल वुड डू. एंड यू वुड थिंक ओ, ये लड़की जिसको जिसको किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, अब उसकी तरफ एक बंदा अच्छे से अप्रोच कर रहा है तो वो एकदम से डेस्परेट होके कुछ कर लेगी. बट मोना डजंट डू इट. वो अपनी एक नेचुरल फ्लो में चल रही है और उसने कॉल ली और उसने अपने दोस्त से बात की जिसपे बाबर तब गया. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि उन्होंने मोना को परफेक्ट नहीं दिखाया है. मोना पे मुझे गुस्सा आया. आई वाज लाइक क्यों करी हो ये तुम, वेदर यू एंड आई वाज नॉट जजिंग मोना कि ओ यू शुड बी थैंकफुल के बाबर तुम्हारे, नो, जस्ट एज अ पर्सन जिसका मियाँ उसको अप्रोच कर रहा है, यू शुड गिव प्रायोरिटी टू योर हस्बैंड, स्पेशली व्हेन यू बीन हैविंग प्रॉब्लम्स. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि मोना एंड बाबर दोनों ही परफेक्ट नहीं और इम्परफेक्ट भी नहीं है. मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा मोना ने बाबर को कितने चांसेस दिए हैं और कितनी बदतमीजी करी है उसने. पहली दफा ही स्पीकिंग टू हर नाइट, एंड वी एक्सपेक्ट दैट मोना शुड स्टॉप एवरीथिंग इन हर लाइफ बिकॉज ही इज बीइंग नाइस टू हर राइट नाउ. मुझे तो बाबर पे 90% ऑफ द टाइम गुस्सा आ रहा होता है. सो एक दफा व्हेन शी हैज टू पिक अप अ फोन, शी शुड थिंक नो बिकॉज शी इज द वाइफ एंड शी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू हर हस्बैंड. इज दैट व्हाई कुडंट ही वेट, व्हाई कुडंट ही, ये क्या बात हुई कि मेरा मूड खराब हो गया अब मैं जा रहा हूँ. आई डिडंट अग्री विद दैट, ऑल्दो आई अंडरस्टूड कि मोना को फोन नहीं उठाना चाहिए था, बट स्टिल, डू यू नो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है. मुझे लगता है कि मोना भी बदतमीजी करती है आगे से. मोना ने आगे भी बदतमीजी की है. मोना भी चुप करके नहीं बैठी होती. मोना भी बाबर की ईगो को खूब चाबी देती है. सो मोना भी कोई इतनी दूध की धुली भी नहीं है, ठीक है. सो वो विच इज ओके, ठीक है, वी आर शोइंग दैट शी इज इक्वली, शी इज नॉट कॉम्प्लेक्स एंड शी इज मोना नॉट स्टेप, सॉरी, ने नहीं, बहुत ट्राई किया है विथ हिम एंड मोना, फॉर. नहीं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बाबर साइकोलॉजी ऑल्सो. ही इज, फॉर हिम दिस वॉज स्पॉइल्ड ब्रैट. It for him this okay. So I'm not talking about compromise, but I feel that जब एक ऐसी सिचुएशन होती है तो ये समझदारी होती है. आप चूज कर ले, एक बंदा चेंज होने को आ रहा है तो यू लेट इट गो और यू थिंक अबाउट प्रिजर्विंग दैट चेंज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट. एंड शी गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड
ऑल्सो मे बी बाबर सही कहता है, वो उसपे हमेशा अटैक करती है, मगर वो बाबर की शायद फीलिंग्स को समझती नहीं है और बाबर इसकी फीलिंग्स को कम्प्लीटली नहीं समझ पा रहा है. एक कम्युनिकेशन गैप तो है, क्योंकि अगली जो एपिसोड दिखा रही है ना, जो ये वाली आई है, जो बाबर की पर्सनैलिटी, मैं यही कह रही थी बीच में कि बाबर भी कम्प्लीटली इम्परफेक्ट नहीं है. आई एम रियली लाइकिंग दैट दे आर शोइंग दैट ही इज स्ट्रगलिंग. वो जा रहा है जी के पास भी, बट ही इज गिल्टी एंड ही इज टेलिंग हिमसेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ. वो उसके पास जाता है, फिर उसको दूर भी कर देता है. यू नो ही इज लाइक नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स. नहीं, ये तुम उसको घर तो पे अलग कर रहा है, उसको जी के पास नहीं जाना चाहिए था. द जाना ओनली थिंग दैट चाहिए. मेक सेंस इज जब उसने कहा था तुम समिया की बातें क्यों कर रही हो मुझसे, दैट हिट इट फॉर मी कि भाई क्यों कर रही हो, ही वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप. और उसके बाद वो वापस पीछे हट गया. तो बट अदरवाइज उसने आई उसका उसके बाद फोन आया था, उसके बाद उसने उससे बोला था, उसके बाद फोन आया था जिसपे वो तब के पीछे हट गया. उसके बाद यस वो बाबर इज नॉट परफेक्ट, बट आई जस्ट लाइक द फैक्ट दैट दे आर शोइंग द स्ट्रगल ऑफ अ मैन. ठीक है, दैट व्हाट ही गोज थ्रू. एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज सेइंग दैट उसका जी को जाना सही है. इनफैक्ट जी भी उसको वो करिए, बट इवन व्हेन ही इज सिटिंग देयर यू कैन सी दैट ही इज नॉट हैप्पी इवन सिटिंग देयर. तो मुझे ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, मुझे ये माइंडसेट दिखाना अच्छा हाँ लग रहा है. एंड आई ऑल्सो बिल्कुल. लाइक इट दैट ही टेल्स इट टू हिमसेल्फ. वो एक जगह बात कर रहा है, सेकंड जो इस हफ्ते की एपिसोड थी, वो कहता है बाबर तुम ऐसे नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट यू. एंड ही इज यू नो ही इज कॉलिंग आउट टू हिमसेल्फ. या Totally, because Babar is not that person. Babar is not the one to have an extramarital affair. Babar can be badtameez, he can be selfish, he can be rude, he can be insensitive, lekin Babar ye nahi karta hai. So that again is very nice, and I feel ki wo execution mein thoda behtar hame dikhana chahiye tha, but phir bhi bahut acha dikha rahe. I love the father calling him in the office and saying ki tum fit ho jao because I will look after Mona if you are up to something. और चुप करके वो सुन के चला जाता है. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. बाप का इंटरेस्टिंग था कि ही इज कीपिंग एन आई, और उसने बोला कि बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूँ. नॉट दैट के बाबर इज केयर्ड ऑफ इट, बट इट्स नाइस टू सी दैट द फादर इज नॉट यू नो लेटिंग एवरीथिंग गो. बाबर को रिमाइंडर मिल गया ना. मुझे सिर्फ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि मोना इज लुकिंग एट दिस रिलेशनशिप फ्रॉम आयान्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आयान के लिए हम एक साथ इकट्ठा एज अ फैमिली रहे. लेकिन बाबर अभी आयान का नहीं सोच रहा, बाबर अपना सोच रहा है. एंड बाबर को एक रिलेशनशिप चाहिए जो उसको मोना की तरफ से नहीं मिल रही है. एंड दैट्स वाई मोना देख ही नहीं रही है वैसे, एंड विच इज द प्रॉब्लम राइट नाउ टिल दे बोथ रियलाइज इट आई थिंक. Yeah, so there is a communication gap between the two of them. यस ठीक है, ओके. तो सो यूं ही यूं ही भाई वो छोड़ के चले गए, उनको करना चाहिए था. वो नवीद साहब को सब कुछ ले गए, लैपटॉप पासपोर्ट, मतलब शी इज अ ग्रोन अप, शी इज एन एडल्ट. ऐसे तो नहीं कर सकते यार, बच्ची थोड़ी है. आई डिडंट लाइक दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी. आई डिड लाइक द अदर पार्ट्स एंड द सुहागरात और उनकी बातें, और वो बड़े मजे के सीन थे. बट व्हाट डिड यू थिंक गोइंग बैक टू नवीद फर्स्ट? तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि नवीद ने जो किया. एंड मुझे लगा वो ड्रामे नहीं होते थे जहाँ वो बच्चों को जबरदस्ती लेकर आ जाते थे, या वो केसेस हम सुनते हैं कि बाहर से लाके लड़कियों को जबरदस्ती शादी करा दी, उनके यू नो पासपोर्ट फाड़ दिए. मुझे बिल्कुल वैसी फील आई. एंड आई एक्चुअली फेल्ट सो सफोकेटेड दैट क्या किया है इसके बाप ने. और पता नहीं इस ड्रामे में ये दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था ये चीज. इट्स तो वेरी मैंने मतलब इख्तशामुद्दीन साहब से बात करी थी, तो अब मुझे थोड़ा और समझ आया. उन्होंने कहा था कि ड्रामे का नाम यूं ही इसलिए है, और तुमने भी यू ऑल्सो स्पोक टू हिम, कि हर चीज बस यूं ही रखी हुई है, यूं ही पड़ी हुई. अब मुझे घर का तो समझ आया ठीक है, कि जैसे उनके जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं, और दादा जिस तरह औरतों को डांट देते हैं और कहते हैं ये होगा इस तरह होगा, जिस तरह उसको भी कहा दाऊद को कि तुम्हें अपना वो जमाना है उसके ऊपर रोक जमाना है, मुझे सब समझ आया. लेकिन अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि नवीद का जो रिएक्शन था जिस तरह तुम कह रही हो, वो भी पुराने जमाने वाला था, कि उन्होंने भी बस यूं ही चीजें वैसी की वैसी अपने दिमाग में भी रख दी है, कि बच्ची को बाहर भी ले गए हैं, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर जब शादी का टाइम आया तो वापस लाके वहां छोड़ दिया और कर दिया. तो ही ऑल्सो नीडेड टू हैव अ जर्नी विच ही बस वो फोर्सफुली कर रहे हैं अपनी बच्ची के साथ जो कर रहे हैं. उनका भी ना वहां घड़ी रुक गई है टिक टिक करना जब वो बाहर, और लोगों की रुक जाती है बहुत दफा, तो यही हुआ है. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड यू ही का कॉन्सेप्ट हियर, सॉरी. That's आई what he said. So I'm trying to relate it to what the director कुड नॉट रिलेट इट. is आई trying आई to फील do. दैट ही इट्स सो लाइक यू ही में ना द प्रॉब्लम आई हैव विद. अब इवन नवीद के कैरेक्टर,
दे आर डूइंग स्टफ विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू डू ना. भाई तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी बेटी जाके एम्बेसी से नया पासपोर्ट नहीं ले सकती? तुमने पासपोर्ट मतलब इस तरह की चीजें जब ये कर रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज तुम पासपोर्ट लैपटॉप रह गए हो तो तुम कह रहे हो वो शादी चलाएगी. तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी ऐसी है कि वो शादी चलाएगी? तुम्हें लगता है कि बिल्कुल डेविड दाऊद ऐसा है कि वो जबरदस्ती करेगा? तुम्हें लगता है वो फैमिली ऐसी है कि उसके ऊपर जबरदस्ती करेगी? दैट्स सच अ आई मीन दिस इज अ वेरी इट्स अ वेरी अनइंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट या अनइंटेलिजेंट जो भी होता है, इज अजम्पशन इन दिस ड्रामा, इन दिस स्क्रिप्ट. लेकिन यू सेड राइट नाउ ना कि पासपोर्ट फाड़ देते थे तो उनका भी के दिमाग में जाने वो लगे जमाना हैं पहले होता था, वो वो जमाना पहले यही तो होता कह था, रही थी। हाँ वो वो जमाना यही पहले जमाने होता में अभी था. भी घूम नहीं, रहे हैं वो लड़की तो एक वो चीज होती है ना, जहां आप किसी अंदरून शहर में जाके लेते हैं जहां पे लॉक लगा दिया लड़की को, उसको यही नहीं पता बाहर कैसे निकलना है. हम बात करें किम की, कनीज फातिमा की, जो कि एक तूफान मचा देगी पूरे लाहौर में, तो तूफान मचा देगी. भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? शी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल सिट एंड हु जिसको आप वो करें. एंड दाऊद इज Did नॉट, not didn't realize that would happen or दाऊद इज नॉट द काइंड ऑफ he पर्सन, was hoping it एंड yeah दाऊद इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड डू समथिंग टू हर, यू नो ही इज नॉट. सो अच्छा दाऊद ने कोशिश कर ली कि वो अपने कपड़े बदल ले। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बदल रही, मैं अकेली जा रही हूँ, पासपोर्ट या तो तुम चलो साथ या मैं जा रही हूँ थाने। तो ये मुझे चेंज बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे आई टोटली अग्री विथ वॉट यू आर सेइंग, आई एम जस्ट लुकिंग एट हाउ दे आर टेकिंग द स्टोरी। और क्योंकि आई वॉन्ट टू सी समथिंग बिटवीन दाऊद एंड किम, मुझे मजा आ रहा है कि वो उसको कह रही है और वो बदतमीजी से नहीं कह रही है, वो प्यार से भी। रात को भी उसने कहा कि यू नो यू हैव टू वेट व्हेन आई वैल्यू यू तब प्यार About था, it. She was firm, not प्यार, she was firm about it. She was she not was rude very about rude. I'm sorry, she was it. very rude, तो and क्या she करती कहती challenged. आ जाओ शुरू हो जाओ क्या कहती बिल्कुल नहीं, and she challenged him. अगेन वही बात जो मुझे प्यार हुआ था हमें हुई कि वो हमें सिद्धरा सहर ने बोला कि वो टाइम मांग रही है माही. तो भाई तुम भी अगर टाइम मांग रहे हो तो तुम बोलो मैं इस रिलेशनशिप में आई हूँ, बट टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, आई नीड टू यू टू लव मी, आई नीड टू लव यू, आई नीड यू टू डू, यू नो आई नीड टाइम. वो ये नहीं बोला, उसने उसको चैलेंज किया है कि तुम मुझे जीत लो, मुझे करा लो, तो मैं कर लो मेरे साथ जो करना है, उसने ये बोला. That's came for you. Yeah, That's so came. I just feel that so it's a story we're watching it. It doesn't make sense, sorry to say, because किम के लिए पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है, या तो मजबूरी दिखाते भाई तुमने शादी भी की थी. और आई एम सॉरी, इट्स लाइक हाउ डू आई फील फॉर किम? आई डोंट फील फॉर किम बिकॉज तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में तुमने दाऊद बेचारी की जिंदगी को खराब कर दिया ना. दाऊद दाऊद को किस चीज की सजा दे रही हो? अगर दाऊद दोगला है, अगर दाऊद कावर्ड है एज यू थिंक ही इज एंड यू आर जजिंग हिम, ही इज फॉर हिमसेल्फ. तुम्हें क्या बट किया? दाऊद जज था ना, दाऊद एंड यू सेड दैट बिफोर कि वो उसका सॉर्ट ऑफ रिवेंज ले रही है, तो वो उसी के ऊपर है कि मुझे इसको चेंज करना है, शी इज टेकिंग हिम एज अ रिवेंज। इतना बड़ा रिवेंज कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी. सो वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना, वो थोड़ी सी मुझे थोड़ी व्हाट इज इंटरेस्टिंग, देख रहे हैं देखते हैं क्या होता है. आई लाइक कि दाऊद, अच्छा अब दाऊद का कैरेक्टर भी थोड़ा सा बेचारा कोशिश करता है, उसको पीछे बैठ जाता है. हाँ उसने कहा हक तो है, शौहर तो हूं मेरा. उसने ऐसे किम ने बोला कि वो फिर पीछे हट गया, यू नो बेचारा. सो दाऊद इज आल्सो नॉट दैट यू नो हीरो जो फोर्सफुली कुछ करे, या बहुत ही यू नो उसमें ऐसी क्वालिटी हो कि आप बोले यार ये तो बंदा, वो बेचारा बड़ा ही यू नो मध्यम सा हीरो है. अब देखो उसको जब बशारत के साथ दिखाया तो इट वाज किम जो कह रही थी कि भाई लेकर जाओ ही इज नॉट वेल, बट दाऊद अगर दादा नहीं कहेंगे वो कुछ नहीं कह सकता। एंड आई थिंक शी मेड हिम रियलाइज दैट एट दैट टाइम कि तुम डॉक्टर हो तुम्हें पता ये होना चाहिए। हाँ गो ऑन आई वुड नॉट बी हैप्पी अगर हम सिर्फ दाऊद का जर्नी देखें और किम का जर्नी देखें कि किम ने दाऊद को बिल्कुल रियलाइज करा दिया. आई वुड नॉट बी हैप्पी बिकॉज आई एम सॉरी, हाँ इट नीड्स टू स्ट्रेटन अप आल्सो अ लॉट, यू नो. हाँ हाँ इट विल कम, आई थिंक इट विल कम। शाजिया इज इन अ वेरी पॉजिटिव मूड टुडे, इट विल कम। हाँ इट आई वाज एंजॉयिंग केम एंड दाऊद का इंटरेक्शन, मुझे मजे का लग रहा था जब वो कहता है कि हक तो है और फिर वो बात खत्म हो जाती है, वो भागते हैं बाहर फिर वापस आते हैं। सो आई एम होपिंग दैट इट प्रोग्रेसेस। आई वांट टू आई जस्ट हैव एन या इश्यू विद द डेरोगेटरी एंड वेरी इंसल्टिंग एटीट्यूड दैट किम हैज टुवर्ड्स डेविड. सो ऑल दैट शी इज सेइंग शी कुड हैव इट हाँ विदाउट दैट एटीट्यूड, आई वुड हैव लाइक्ड इट. मुझे वो, मैं टीम दाऊद पे हूँ उस वक्त, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि दाऊद के साथ वो इस तरीके से डील कर रही है, यू नो.
I totally agree. और वो दादा जो है उनका भी कोई जर्नी होना चाहिए भाई. वो रजिया को उठा के डांटे चले जा रहे थे, आपका बेटा खा रहा है बगैर ठीक के, हाँ, उनकी इस गलती है. इतने ऐसे एंड लाइक रजिया इज नो वैल्यू, कोई रजिया की बात की कोई कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. सो यस, दैट इज इट. सो वी और मैं सोच हैव रही थी उनके बारे में, आई सॉरी आई जस्ट लाइक दैट सीन, सुरैया और उनकी फुप्पो जो लेटी हुई थी वो उनके बारे में हाँ सोच रही थी, जुल्फी के बारे में, और वो अपना फोन निकाल के वहां. तो आई लाइक डायरेक्शन वाइज वो सीन बड़े मजे का था, एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग कि लाइबा इज नॉट गेटिंग इनटू दानियाल, सो आई या वांटेड टू, एंड आई होप शी फोन नेवर डज. फोन तो उठा लिया उसने. ठीक है, वी कैन गो ऑन नाउ. सो वी हैव जुर्म, तेरे हाँ बे एंड कुचन कही, वी हैव थ्री. ओके ठीक है. सो यू वांट टू डू जुर्म? या जुर्म फर्स्ट. यस जुर्म की 2 एपिसोड आई हैं, 2 और आएंगी आगे. महरीन जब्बार, द स्टोरी इज बाय शाह यासिर. फर्स्ट एपिसोड बाय द वे, हमें काफी फॉलोअर्स ने डांटा है कि आप उसको स्लो पेस क्यों कह रही हैं, वो तो बड़ा फास्ट पेस था. सेकेंड एपिसोड मुझे ज्यादा फास्ट पेस लगा. आई जस्ट लाइक दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट ड्रामाज कमिंग इन लिमिटेड एडिशन. And yeah, you want to begin and say what do you think? आई थिंक इट्स सो रिफ्रेशिंग. इतना मुझे अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि एक डिफरेंट कहानी है और एक मिस्ट्री है कि किसने कत्ल किया है, किसने मारा है, किसने अगवा कराया था. एंड ऑफ कोर्स मेरीन जबार की डायरेक्शन है तो यू सी दोज टचेस ऑफ ब्रिलियंस, यू नो द वे. जैसे वो अब सेकेंड एपिसोड में जब वो पुलिस वाला भाग रहा होता है और वो जो गली का उन्होंने पूरा शॉट लिया, मुझे मजा आया वो देखने का. बिकॉज इट वॉज नॉट दैट शाजिया, इट वॉज नॉट दैट हाई टेक चेज जो आप बड़ी ग्लैमरस किस्म की फिल्मों में, या यू नो कि वो स्लो हो गया और भागते हुए स्लो गिरा या उसको तेज कर दिया. इट वॉज अ वेरी रॉ चेज जो उन्होंने दिखाया कि पुलिस वाले का भी कहीं सांस हो रहा है और वो गिरा और वो सब कुछ. तो मुझे वो बहुत ना नेचुरल फील आई. मुझे लगा कि ये इट इज समथिंग दैट आई वुड सी हैपनिंग इन द गलीज, यू नो, ये स्ट्रीट्स में ऐसा हो रहा होगा. तो मुझे ये बात अच्छी लगी. तो उन्होंने बिकॉज ऐसी जो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं एपिसोड या सीरीज देखते हैं, तो उसमें ना अफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं कि ओ यहाँ से मुक्का मारा तो वो गिरता हुआ गया और उसके बाल ऐसे उड़े और इस तरह. बट मेरीन हैज केप्ट इट वेरी वेरी रॉ, वेरी नेचुरल, एंड आई लाइक इट. जिस वक्त वो आयला को, दोनों बंदे जो होते हैं आयला के पीछे भाग रहे होते हैं और वहां भी जाके वो छुपती है, तो वहां भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया कि बड़ा, वो बड़े सिंपल सा शॉट था कि वो भाग के आती है, यहाँ पे वो दोनों बात करें, वो यहाँ पे सुन रही है, एंड यू नो फिर वो जाके भागती है. आउटडोर सीन काफी अच्छे शूट किए हुए, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है देखने का. तो कॉन्सेप्ट बहुत फ्रेश है, बिग रिलीफ फ्रॉम द टिपिकल ड्रामाज दैट वी आर वॉचिंग. मिस्ट्री है, क्यूरोसिटी है, एंड आई थिंक द परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग. आई एम एक्चुअली एंजॉइंग ऑल द परफॉर्मेंसेज. तो वन थिंग अबाउट द रनिंग सीन, जो वो भाग रहे होते हैं पीछे, इट वाज शॉट इन लाइन्स एरिया, और उसमें बहुत मजे की बातें उन्होंने हमें बताई हैं. आप जाके पढ़िएगा, एक छोटी सी वो जो सीन हम देख रहे थे जिसमें वो आई एम अज्यूमिंग दैट इज द सीन, उन्होंने छुट्टी के दिन किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर महीन जब्बार, वो सीन हमारे पीछे 500 to 600 बच्चे भाग रहे थे. Because they Wow. were so excited about the shooting and we had to make sure they were out of the camera. She said, I was running, my team was running, and the actors were running. और हमारे पीछे ही बच्चे थे. So a Wow. big shout out and clapping for managing. एक बच्चा मैंने भी, क्योंकि देखा एक बच्चा मुझे दूर से कहीं नजर आया था, बट उन्होंने काफी उसको साफ कर दिया था. How they did it. और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें, go and read about it. She's told us a lot of the back story कि क्या हो रहा था, किस तरह शूटिंग, because ये like you said, they are action scenes और बहुत मजे के थे. So, yeah, I loved it. I'm loving. There's one particular जो पुलिस ऑफिसर बने हुए थे, his name is काशिफ हुसैन. I wanted to point out, मुझे उनका कैरेक्टर पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे का है. इवन लिटिल थिंग्स लाइक वो जिस तरह बैठ के रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे थे और देख रहे थे उसको, उस तरह. सो वेरी इंटरेस्टिंग, मजे का लग रहा है. उनका अतीका ओडो का भी बहुत क्यूट लग रहा है. आई एम आई लविंग द रियली वे. लाइक अतीका ओडोस कैरेक्टर बिकॉज शी इज समबडी जो अपनी दुनिया में रह रही होती है, लेकिन शी यू नो लेकिन फिर एकदम से उठेगी एंड शी इज नॉट टू फेक एंड नॉट टू रियल, शी इज समवेयर इन बिटवीन. एंड आई रियली लाइक दिस पोर्ट्रेल, यू नो. एंड एहतशामुद्दीन इज सो गुड. लाइक यू नो वो जब आयला की माँ से बात करें जो तजीन रोल प्ले करी है, तो ही इज वेरी यू नो ओके. द मिनट ही टॉक्स टू हिज वाइफ ही इज लाइक अनदर रूथलेस पर्सन, एंड वो उस उनको मैसेज दे रहे हैं थ्रू टॉकिंग टू हर कि भाई अपने उसमें रहो, क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो, पुलिस को काम करने दो. देन आयला एंड व्हिच इज जुरैफिशा एंड
वहाज, उन दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है. आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू वहाज, ये काफी अरसे पहले शूट हुआ हुआ था. एंड दानियाल, देर इज समथिंग इंडियरिंग अबाउट दानियाल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन. लाइक यू यू ही इज लाइक देर इज बेचारा बेचारगी अबाउट हिम. यस, यू नो देर इज जस्ट सॉफ्टनेस अबाउट हिम, एंड इट इज नॉट बेचारगी इन अ ट्रू सेंस. इट्स लाइक अ वेरी सॉफ्ट फीलिंग दैट यू डेवलप फॉर दानियाल. हालांकि जब वो केक वाला सीन होता है बर्थडे का, जब वो आके देती है, एंड अगेन वहां मैंने देखा कि अच्छा इसकी, इस बंदे की दो साइड्स हैं, बिकॉज उसके सामने इतने होता है, जैसे ही वो जाती है तो ही चेंजेस, बट स्टिल देर इज समथिंग वेरी सॉफ्ट अबाउट दानियाल. एंड हाउ वहाज इज डूइंग इट, इट इज कमेंडेबल, क्योंकि ये बहुत But is he अर्ली fooling us? Is he fooling us with that? आई Is there थिंक. something more to Danya? तो अगर तुमने सवाल प्रोमो, अगर तुमने प्रोमो देखा है, अगर तुमने प्रोमो देखा है अगली किस का, तो तुम्हें दानियाल की सॉफ्टनेस समझ आएगी. दानियाल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज फादर्स एक्शंस, और दानियाल्स बिहेवियर और दानियाल्स पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज, इज अ रिएक्शन टू हिज फादर्स पर्सनल यू नो बिलीव्स इन लाइफ और हिज तो एटीट्यूड इन फिर लाइफ. ड्राइवर को क्यों कहा था कि मेरी बीवी को किडनैप करे? पता चलेगा ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पता हाँ चलेगा, यू यू विल फाइंड आउट. मे बी वो उसने नहीं किया हो, मे बी वो उस वो जो उनकी सेक्रेटरी है, मुझे ड्राइवर को झूठ बुलवा रहे हैं। नहीं, वो अभी तो हमें पता ही नहीं है जुर्म किसने किया है. वी डोंट नो, यू आर अज्यूमिंग. या तो सो दैट्स व्हाट दे से वी कीप गेसिंग। तूबा सिद्दीकी का कैरेक्टर भी बड़ा मिस्टीरियस है। हो इट्स सकता है वेरी तो ठीक है कैरेक्टर ने वो कराया हो, वी डोंट नो, मे बी हाँ एहतशामुद्दीन ने. इनफैक्ट जो सेकंड एपिसोड आई, द वे दे वर शोइंग अतीका ओडोस कैरेक्टर, मुझे तो बहुत शक उनपे हो रहा था. मैंने कहा ये जो जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया है कि वो म्यूजिक लगा के बैठ जाती है और उधर से हो रहा है, यू नो द ओह वे दैट शॉट वाज अमेजिंग। जब वो क्लोजअप दिखाते हैं कि वो म्यूजिक बज रहा होता है एंड देन दे शो हर टर्निंग। सो अगेन डायरेक्शन। राबिया व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि जब हमने बहुत मिस्ट्री थ्रिलर्स देखे हैं, आते हैं चले जाते हैं, अभी दो एपिसोड हुए हैं। सो एक तो टू गेट इन टू द स्टोरी सो फास्ट व्हेन द मेकर्स नो कि आपके पास चार एपिसोड है सिर्फ, एंड सेकेंडली कि अब देखो ये रिवील भी कर रहे हैं कुछ मिस्ट्रीज और कुछ नहीं कर रहे। हमें ये नहीं लग रहा कि हम लॉस्ट हैं। हमें नहीं. लग रहा है कि अच्छा हाँ, लाइक यू आर सेइंग कि कुड इट बी अतीका, कुड इट बी एहतशामुद्दीन कैरेक्टर, कुड इट बी दानियाल, वी डोंट नो, कुड इट बी तूबा। वी आर पॉइंटिंग आवर फिंगर्स एट मल्टीपल, बट लेकिन हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा। हमें इतना पता चल गया कि अच्छा ड्राइवर को ले लिया है, उससे पहले उसने उनको। सो वी आर गेटिंग द बैक स्टोरी ऑल्सो, विच आई फाइंड दैट्स द मेक और ब्रेक फॉर एनी मिस्ट्री थ्रिलर, कि आप ना बिल्कुल लॉस नहीं करने अपने व्यूअर्स को, तो विच वो इज जिस नॉट तरह हमें हैपनिंग लेके हियर। जाते हैं, हम एक कैरेक्टर के बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं, देन दे शो अस समथिंग डिफरेंट, अ डिफरेंट यू नो पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम टेकिंग दस इन बैकग्राउंड, तो हमारा पॉइंट चेंज हो जाता है, जो तुम बात कह रही हो. तो वो इंटरेस्टिंग है कि आपको थोड़ा सा वो घुमाते हैं. पेस की जहां तक बात आई, आई स्टिक टू इट, एंड द रीजन इज दैट अ लॉट हैपेंड इन द फर्स्ट एपिसोड, बट द प्रोग्रेशन फ्रॉम सीन टू सीन आई फेल्ट कुड हैव बीन फास्टर, कुड हैव बीन, बिकॉज इट्स अ क्राइम थ्रिलर, इट्स अ क्राइम मिस्ट्री, इट हैज टू बी फास्ट, बट Okay, the way they chose it, हमें लग रहा है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, दे आर हैप्पी टू डू इट. मुझे लगा इसकी मतलब ऐसा होना चाहिए था ना कि मैं सोचती क्या हुआ क्या हुआ, ओके ये हो गया. आई वाज नॉट, आई वाज लाइक अच्छा हाँ चले गए, अगवा कर लिया, ओके पुराना हुआ, ओ अच्छा ये हुआ, यू नो. नहीं, इट शुड बी लाइक ओ गॉड उसको अगवा कर लिया, क्या करेंगे, ओ मारती है कैसे मार, इस मुझे ये फील आनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड आई फेल्ट कि वो सब चीजें वहां थी, सिर्फ सीन्स में भी ज्यादा थोड़ा सा या होनी थोड़ा चाहिए, सा तेजी से मूव करने चाहिए थे, तेजी से मूव करने चाहिए थे, यू नो थोड़ा दैट्स व्हाट आई थिंक. सा हो सकता था। आई रियली लाइक आयलास कैरेक्टर, बिकॉज आयला के क्या वी वांट टू नो हुज डन द मर्डर, लेकिन हमें इतना अफसोस नहीं हो रहा दैट शी इज डाइड। हमें ज्यादा मिस क्यू एटलीस्ट मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि किसने किया है। एंड दैट्स सीन वेयर शी इज टॉकिंग टू हर मदर, तो वो बिल्कुल बेचारी नहीं है। उसने कहा कि उन्होंने जिस तरह मुझसे बात करी, द वे शी डिड इट, द वे शी सेड इट, एंड उन्होंने किस तरह हाउ डेयर शी। और उसने कहा नहीं, मैं अपना अलग घर रहूंगी। शी कन्विंस दानियाल एंड ऑल दैट हैपेंड विद इन द सेम एपिसोड। तो ये भी बात अगेन, अतीका ओडोस कैरेक्टर वो जिस तरह बिहेव कर रही थी लंच पे वाज रियली एंटरटेनिंग। एंड वी हैव ऑल सीन वुमेन लाइक दैट बिहेविंग लाइक दैट, तो वो ओवर द टॉप भी नहीं लग रहा था। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस दैट यू बट फैंटास्टिक। तुम्हारी ये बात इतनी सही है, आई ऑल्सो डोंट फील फॉर आयला, यू आर राइट, या मुझे अगर वो रियलाइज. बेचारी होती आई माइट हैव फेल्ट फॉर हर, अगर वो बैक आ, लेकिन नो दे शोड हर द वे वी वांटेड टू सी हर। तमाम हमें लग रहा है दानियाल के साथ ही कोई ज्यादती हुई होगी. दानियाल जो रो रहे थे आंसुओं के साथ, ही वाज वीपिंग,
और वो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, क्योंकि वो आके देखती है, वो उधर देखती है, और वो जिस तरह उठ के जाती है, वो जब पढ़ रहे थे अतीका उठो, तो तब हमें लगा कि नहीं यहाँ कुछ हो रहा है. सो यस, व्हाट्स गोइंग ऑन. So very interesting, and I'm glad that we are making scripts which are different. थैंक गॉड. या तेरे यस. सो तेरे बिन और कुछ अनकही. बिन. ओके, तेरे बिन 2 एपिसोड्स आई थी. एक पहले आ चुकी है और एक कल रात को आई थी. तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे लगता है गालिबन आपको पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने कन्फेस कर दिया, उन्होंने दिखाया कि उनकी बैक स्टोरी क्या थी मुर्तसिम की. और मुझे थोड़ा सा अभी मीरब के कैरेक्टर डेवलपमेंट में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. सो यू वांट टू बिगिन? तो जो थर्सडे को एपिसोड आई थी उसके बाद मुझे ना लगा, और फिर मैंने इस वाली जो मंडे की रात को आई एपिसोड उसका जब प्रोमो देखा, तो आई एक्चुअली डिडंट वांट टू वॉच इट, बिकॉज़ आई वाज लाइक ओ आई एम गोना गेट सो फ्रस्ट्रेटेड टू सी कि यू नो वो जाएगी, उसको बेवकूफ बनाएंगी एंड ऑल दैट. एंड लेकिन मुझे देखना था तो मैं जबरदस्ती देख रही थी. लेकिन जो ये प्रोमो हुआ, जो थर्सडे को एपिसोड आई, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि यार ये तो बस अब हम एक इंडियन सोप की टाइप ही देख रहे हैं, विच आई स्टैंड बाय इट इज, दिस इज वॉट हैपन्स, यू नो, साजिशें और इस तरह का, कि उसको मुर्तसिम को कहीं और लेकर गए और इसको कोई और घर दिखा दिया, ऐसी चीजें होती है वहां पे. हमारे यहाँ कम होती है, या बहुत अरसे से मैंने नहीं देखी, या बहुत अरसे बाद, या पहली बार शायद मुझे याद पड़ रहा है कि हम इस तरह की चीज देख रहे हैं, कि इतनी बड़ी साजिश, इस तरह की साजिश, यू नो. तो वो मुझे बहुत, लेकिन जब मैंने ड्रामा देखना शुरू किया तो आई एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग. मैं एक्चुअली ऐसे बैठी हुई थी, मैं सोची थी अब क्या होगा, ओके ये चली गई, ये क्या करेगा, ये इसको पकड़ लेगा, लेकिन प्रोमो पर देखा तो माँ आ जाती है, फिर क्या होगा, ये वापस पहुंच जाएगी, ओ ये क्या करेगी, क्या ये भगा देगी, नहीं भगा देगी. सो आई एक्चुअली हैड फन वॉचिंग इट. दे आर थिंग्स दैट आई हैव इशू विद, जो हम अभी आते हैं उस पर बात करते हैं, बट ओवरऑल एपिसोड केप्ट मी इंगेज्ड. एंड आई कुडंट बिलीव जब मीरम ने उसको भगा दिया, और जब मैंने नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखा था, लाइक ये तो मुझे अभी देखनी है, बिकॉज आई कांट वेट फॉर दैट कॉल व्हेन इट द कॉल गोज टू मुर्तसिम एंड ही वेक्स अप, एंड ऑफ इट्स गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग टुनाइट टू सी दिस. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. Yes, so if you just take it as a drama and if you take it with all the excitement and enthusiasm, अच्छा, अब आपकी बात का जवाब. सो माय yeah. थिंग इज दैट तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मीरब के कैरेक्टर के साथ ज्यादती है और मीरब के कैरेक्टर को मार दिया. मुझे ये, मैं इसको इस तरह देखती हूँ, मैंने तुम्हारी ट्वीट कल पढ़ी भी और मैंने सोचा भी कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. आई फील उन्होंने जस्टिफाई किया है जो भी मीरब को कर रही है. मुझे मीरब इधर बेवकूफ नहीं लग रही, क्योंकि मीरब को जो दिखाया, जो मीरब का पॉइंट ऑफ व्यू है, मीरब जस्टिफाइड है इन हर पॉइंट ऑफ व्यू. मीरब को बेवकूफ बनाया जा रहा है. अपनी मीना की बहन को इस तरह नहीं भगा सकती, चाहे उसको विमान पर कितना भी यकीन है. उसको चलिए उस घर पे जाना चाहिए था मुर्तसिम को हाथ पकड़ के. शी कैन मेक हिम डू एनीथिंग, व्हाई कुड शी नॉट टेक हिम टू द हाउस? नो, शी रियलाइज दैट्स इट माय क्वेश्चन. डिडंट डू इट बिकॉज मुर्तजिम सेड नो. वो गई, मेरे हिसाब से जितना उसने किया उसने काफी कुछ किया है. उसने जाके बहुत देर तक वहां बैठी, बात भी की, उनको भी कन्फ्रंट किया, फिर उन्होंने दिखाया भी कि पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि वो ये कहता है, वो ये कहता है. उसको लग रहा है कि या तो उसको गलत फहमी हो गई है, और वो देखो अभी भी वो कह रही है मुर्तजिम ने झूठ नहीं बोला, वो कह रही है मुर्तजिम को गलत फहमी होगी, लेकिन वो ये भी कह रही है कि मुर्तजिम अब चेंज नहीं होगा. उसको रियलाइज हो रहा है कि मुर्तजिम विल नॉट चेंज हिज डिसीजन, दैट इज वाई शी इज डन इट. नाउ थिंक ऑफ इट फ्रॉम मीरब्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. जो उसने किया वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें पिक्चर यहां से पता है मीरब देख रही है कि एक फ्यूडल लॉर्ड, एक फ्यूडल सिस्टम में एक लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, और उसे कह रही है निकाह करके कल वापस आना, हम घर वालों से बात कर लेंगे. उसने पूरा निकाह भगाया. खुद ही जाके करना, फिर उसको भगा क्यों दिया? शी शुड हैव सुपरवाइज द निकाह. हाँ ये ऐसे तो नहीं कर पॉसिबल है, सकती. लेकिन मैं उसको, या वो उस पर बंदे पे एतवार कर रही है, तो मे बी वो खुद जाती तो ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल होता है. अंग्रेज देखो, हमारे यहाँ जब भी कोई अरेंज मैरिज होती है, कोई इस तरह रिश्ता आता है, आप कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ढूंढते हैं कि भाई अपने किसी दोस्त का, आप अपनी किसी फ्रेंड का, किसी का. इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मीरब अरे में वो होनी टाइम नहीं है, चाहिए भाई. इतना टाइम नहीं है उसके पास वो करे, और कहां से But have done it. She was, for me, she was a very promising character, कि वो ढीठ बनी. और अब वो ये दिखा रहे हैं कि बेवकूफ लड़की, इसको नहीं. इसी तरह इसकी शादी करनी चाहिए थी जबरदस्ती मुर्तजिम नहीं, से. वेट वेट सुनो, तुम हाँ एक बात सुनो, अगर तुम इस चीज को छोड़ दो, अनस क्या है, अगर वाकई अनस एक अच्छा लड़का होता और अगर मरियम की शादी जबरदस्ती हो रही होती, तो तुम क्या कहती, मरियम को नहीं भागना चाहिए? नहीं तो मैं ये कहती कि मीरब का आपको अपना होमवर्क सही करना चाहिए था. सिर्फ अनस और उसकी हम अम्मा से उसकी बात मिलना नहीं इज कर रहे नॉट हैं, इनफ होमवर्क. हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट सवाल पूछ रही हूँ. मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर अनस अच्छा लड़का होता तो क्या मीरब को, क्या मरियम को उसके साथ
उसको भूल के नॉरिस से शादी कर लेनी चाहिए थी, या मरियम को फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट बात करके अपनी शादी अपनी मर्जी की करनी चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव टू आंसर एट द एंड ऑफ द डे. इसका कोई भी प्रॉपर शायद आंसर नहीं हो. हम नहीं कह सकते शायद से भागना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए, एक जिंदगी की अपनी चली जाए. सो फ्रॉम मीरब्स पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज आई एम कंसर्न, आई फील शी डिड ऑल दैट शी कुड टू इन्वेस्टिगेट. वो बार बार फोन कर रही है, वो बात कर रही है, घर भी देख कर आई. मुझे लगता है इतना काफी है, इससे ज्यादा दिखाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है. हमें गुस्सा है बिकॉज वी नो द रियल स्टोरी एंड वी वॉन्ट मीरब टू विन, बट मीरब ने अपनी तरफ से किया. मेरा ये है कि जो साजिश दिखाई गई है वो जस्टिफाइड है टू अच्छा, मेरा एक और सवाल है, ठीक है? मेरा एक सवाल ये है कि ठीक है, मीरब ने ये किया ताकि मरियम के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो, ठीक है? मीरब का ज्यादा क्या कहते हैं, लॉयल्टी किसकी तरफ बनती है? जो मुर्तसिम कह रहा है, जो उसका मियाँ कह रहा है, जो या उसकी जो मियाँ की बहन कह रही है? क्या वो अपने पूरे ससुराल के अगेंस्ट और अपने मियाँ के अगेंस्ट जाके अपनी उसकी मरियम को भगा सकती है कि नहीं? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द मैटर, फॉरगेट द कॉमन सेंस व्हिच आई स्टिल डोंट अग्री विद इस नो, मोमेंट। सो यू कांट से दिस सो सिंपली हियर ना. वो तो मुर्तसिम को अपना हस्बैंड अभी तक प्रॉपर तरीके से मानती ही नहीं है ना. वो तो मुर्तसिम के साथ अटैचमेंट नहीं फीलती, एंड शी इज दैट गर्ल जो हक के लिए बात करती थी, जो हक के लिए फाइट करती थी. मरियम, शी सेड मैंने खुद नहीं किया, तो फिर उसको क्यों करवा रही है जो खुद नहीं किया उसने? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको कोई फैसिलिटेट करने वाला नहीं था. इधर तो वो कह रही है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम जाओ, मैं मुर्तसिम से बात करूंगी जब तुम निकाह करके वापस आ जाओगी. वो उसके इसके पास तो कोई दोस्त कोई था ही नहीं. मरियम हैड हर, दैट अच्छा, इज व्हाई शी इज डूइंग इट. और जो चीज ओके, ज्यादती उसके साथ हुई, जो उसको गुजरना पड़ रहा है, देखो मीरब को चाहे मुर्तसिम जितना ही पसंद आ जाए, और जो मुर्तसिम पूछता है ना क्या चीज तुम्हें रोक रही है, वो मीरब की ये ईगो है, ये बात है कि तुमने तुम्हारी वजह से मेरी सब चला गया, मैं कैसे तुमसे मोहब्बत कर लो, कैसे ठीक तुम्हारी है। तरफ तो से मुझे मिला. ये तो लगता है कि मीरा, वो नहीं चाहती कि कोई और लड़की इस चीज से गुजरे, इसलिए मीरब ठीक है, मरियम के तो साथ ऐसा मीरा करती. की प्रॉब्लम ये है कि मीरा अभी जो मरियम के साथ कर रही है ना, वो अपनी बैटल लड़ रही है जो वो खुद नहीं कर सकी, यस वो बिल्कुल. मरियम के लिए। सो देयर आई विल अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू कि उसने, अब फॉरगेट द कॉमन सेंस ऑफ द रिसर्च व्हिच आई फेल्ट वाजंट इनफ, वो जो कर रही है शी इज अ फ्लॉड कैरेक्टर, एंड मे बी हमने बहुत ज्यादा होप्स बांधे हुए थे मीरब से, और वो उसके ऊपर कर रही है कि मुझे तो हुआ नहीं, मैं किसी और के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, तो उसका सब वहां से आ रहा है, एंड देन इट मेक्स सेंस इन अ वे। Not only that, I completely agree with you कि that is in addition to really wanting Maryam to be happy, she is doing it because वो जो तुम बात कर रही हो वो उसके अंदर का जो है ना वो उसके थ्रू सेटिस्फाई कर रही है. और ऑल्सो दैट शी वॉज अ चैंपियन ऑफ राइट, सो शी वॉन्ट्स टू फील अकम्प्लिश. शी वो देखो उसको जब्त कर दिया, उसके पर काट दिए, अब वो अगर कोई चीज कर ले तो उसको एक आजादी एक अचीवमेंट फील होगी. वो एक और आपने उन वो एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जो वो याद करती है कि हया ने उसको क्या कहा था. हया उसको कहती है कि अगर तुम मनवा लो मुर्तसिम को तो मैं मान जाऊंगी कि वो तुमसे प्यार करता है. ये ईगो भी चल रही है उसकी. वो किसी ना वो कह रही है निकाह करके ले आएगा, मैं मुर्तसिम को मना लूंगी. तो यस, मीरब की अपनी सेल्फिश जो अनइंटेंशनली अननोइंगली भी उसकी चीजें हैं जो चल रही हैं. सो शी इज ऑल्सो नॉट 100% डूइंग इट फॉर मरियम. आई कंप्लीट एग्री. बट जो ओवरऑल उन्होंने दिखाया है टू शो कि मीरब ने ये क्यों किया, मीरब कन्विंस हो गई, मुझे वो सही लगा. तो इसलिए मैं ड्रामे को मुझे मजा आ रहा था एपिसोड देखने का, और मुझे डर भी अच्छा, लग अब मुझे भी ये प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हमने पिछले एपिसोड की बात नहीं करी है कि मीरा गलतियों पे गलतियों पे गलतियां करे, उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड, भाई मुर्तसिम ने तो नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा था बनठन के तैयार होके, फिर वो उसका पीछा करती है, फिर उसको पता चलता है ओ ये तो एक्चुअली बड़ा अच्छा आदमी है, मैं तो उसको गलत समझ रही थी, मैं तो समझ रही थी ये। एवरी टाइम शी इज मेकिंग अ मिस्टेक, एवरी टाइम शी इज मेकिंग अ मिस्टेक। यू आर शोइंग अस अ कैरेक्टर जिसको हम चाह रहे हैं कि कहीं तो उसकी कहीं तो विक्ट्री हो ना, कहीं तो उस, लेकिन कहीं भी नहीं हो रही है। एवरी टाइम मुर्तसिम को आपने यहाँ रख दिया है, और मीरब को आप बार बार गिराते चले जा रहे हैं, गिराते, और अब तो जो हुआ है ये बहुत, भाई ही कैन रेप हर, ही कैन डू एनीथिंग विद हर, इमेजिन शी विल हैव टू लिव विद दैट, शी विल हैव टू, दैट इज सो स्कैरी, एंड ही माइट, मुर्तसिम माइट नेवर वांट टू सी हर फेस अगेन, सो दैट्स जस्ट वेरी अनफेयर। आप गलतियां भी करें तो छोटी छोटी दिखाएं ना, ऐसी गलती तो ना दिखाएं आप। वो तो हमें पता है कि जो स्क्रिप्ट है वो प्रो मुर्तसिम है, दैट इज फॉर शो. एक और अच्छा, अब हाँ
ओके सो नाउ दो तीन चीजें, एक तो ये कि हया अगेन आई एम सो सैड दैट शी डिडंट डू एनीथिंग. अब जैसे वो दो चीजें, अब देखो इस तरह की चीजें होती हैं जब मैं कहती हूँ अच्छी बड़ी कहानी हाँ चल रही है, आप ये चीजों को भी प्लीज एडजस्ट कर ले. वो जब थर्सडे को एपिसोड आई, आपने वो बेवा दिखाई एंड यू आर मेकिंग मीरा अज्यूम के वो इस बेवा, अरे भाई तो फिर आप बेवा को फिर बहुत ही हसीन दो शेजा बना देते. और इतनी मुझे वो फनी बात लग रही थी कि वो कहती है तुम्हारी पहली फैमिली, मतलब मुर्तसिम विल हैव नोबडी टू मैरी, देन यू नो लाइक व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट. एंड इज मुर्तसिम रियली दैट डम कि वो एक्चुअली उसके साथ बच्चे भी कर लेगा अगर वो एक औरत के पीछे जा ही रहा है जो उसके खानदान से भी नहीं है और किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रह रही है, यू नो. सो मतलब फिर आपने दिखाना था तो फिर उसको जस्टिफाइड करते कि मीरब का ये रिएक्शन क्यों आ रहा है. सो आई आई फाउंड इट द होल सिचुएशन जस्ट फेल फ्लैट फॉर मी देयर, यू नो, कि मीरब मुर्तसिम को थोड़ा सा तो क्रेडिट दे यार, कि मुर्तसिम को कोई कमी थोड़ी है किसी की कि वो इस तरह जाएगा कि तुमने इतना बड़ा शक कर लिया. वो बहुत मुझे वीक लगा. अब इस वाली एपिसोड में लास्ट सीन में हया कैन सी ऑल थ्री ऑफ देम, मलिक जुबैर को सामने, बट मलिक जुबैर कैन नॉट सी हर. इट इज सच अ बिग, मतलब थोड़ा सा तो मूवमेंट ऐसे कर लेते वो अगेन, यू लाइक ये कैसे हो सकता है यार, पूरी निकल के दरख्त के पास से उसने वीडियो बना ली और सब कर लिया लेकिन मलिक से जुबैर को. बना देती वो एंगल डिफरेंट ले लेते कुछ भी, लेकिन ज्यादा तो मुझे हया कैरेक्टर के ऊपर है कि वो मरियम को उसके पास भेज रही है, उसको पता है क्या हो रहा है। विच यू बिलीव्ड इन इट राबिया, पहले तुमने कहा था कि नहीं हया को पता नहीं था कि वो भाग रहे हैं, बट नाउ दे शो दे। मैंने सोचा कि किसी को बुलाएगी अंदर से, घर से किसी को भाग के बुलाएगी, थोड़ा सा रिडेम्पशन। चलो हया इज टोटली ब्लैक नाउ, आई गेट इट, लेकिन अगेन द एंगल कुड हैव बीन फ्रॉम समवेयर एल्स। बल्कि वो दिखा दी थी मुर्तसिम को तो मुर्तसिम गुस्सा होता मीरा पे, वो मीरा पे बिल्कुल आती तो हाँ ये एक साजिश भूल गए हम, आप लोगों को हम बता रहे हैं साजिश का. तो हाँ ये था बट मलिक जुबैर बहुत अच्छी चाल चली है भाई, उन्होंने बिल्कुल कन्विंस कर यस, दिया, द साजिश इज गुड। साजिश इज गुड. हाँ नाउ कमिंग टू मुर्तसिम का राज, डू यू थिंक देयर इज मोर टू इट या बस वो कैमरा और फोटोग्राफी का ही राज है और कोई और चाहत नहीं है, वही उनकी. तो मुझे आप कुछ भी कहते हैं, अब जहाँ की बैशिंग होगी, मुझे वो राज कोई इतना ठीक है, आई नो कि उसका पैशन था, लेकिन इतना मुझे डीप और इतना राज नहीं लगा जितना जो मीरब ने खोया है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी फोटोग्राफी फिर भी कर सकते हैं, यू माइट नॉट मेक इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड करियर, लेकिन आप कर सकते हैं उसको। सो मुझे भी लगा कि मे बी देर समथिंग मोर टू इट, लेकिन आई डोंट थिंक देर इज। मुझे उसमें इतना नहीं, मेरा दिल इतना ज्यादा नहीं डूबा मोटर लेके। अच्छा, आई थिंक अ पर्सन जिसको एक बहुत चीज का शौक हो और फिर आप उसके पैशन को उसको प्रैक्टिस नहीं करने दें, आप उसको वो चीज कराएं जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं हो. एंड मुर्तसिम इज अ नाइस गाय एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, एंड फॉर हिम टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस वडेरा एंड मार एंड कत्ल, आई थिंक देर कैन बी नथिंग more of a torture than that. So I do understand. I didn't think it had to be such a big thing. मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी चीज है कि उसने अपना, because वो भी मीरा भी अभी जाके अपना law परसू कर सकती है, तो मैं को इतना बड़ा, मुझे अच्छा लगा. I don't know, शायद मैं नम हो गई हूँ, मेरी expectations हो गई, नहीं, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत मुझे लोगों को बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। because I can understand that she wanted to be free of this world. And बहुत दफा हमने ये स्टोरीज देखी और हमने देखा है कि वडेरों के या जागीरदार या फ्यूडल सिस्टम में जो नई जनरेशन होती है उसको सफोकेशन ही वहां होती है बिकॉज दे वांट डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड दे हैव टू गिव अप देयर पैशन एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, यू नो, एंड डू थिंग्स तो द प्रॉब्लम इज अगेंस्ट कि मुर्तज़िम लुक्स लाइक वडेराइज्म एंड फ्यूडलिज्म फिट्स हिम लाइक अ ग्लव। लगता नहीं है कि वो सब कर रहा था और ये सब नहीं कर उसने सकता। कॉम्प्रोमाइज किया है ना. दिस इज हाउ डिफिकल्ट इट इज, दिस इज हाउ लाइक यू हैव टू अप्रिशिएट कि उसने किस तरीके से अपना अपना वो हिस्सा मिटा दिया है, वो हिस्सा मिटा के वो ये चीज बन गया है जो वो नहीं है शायद इतना ज्यादा, यू नो. एंड इसीलिए उसको मीरब का दर्द महसूस होता है कि मीरब जो है उसके साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसके साथ वो ना होने दूं, यू नो. आई वॉज थिंकिंग मे बी देर इज अ लव लाइफ एंड आई थिंक देर शुड हैव बीन अ लव लाइफ फॉर मीरब टू फील मोर फॉर हिम, यू नो, अ लिटिल. या सो वो मुझे लगता है कि होना चाहिए था, नहीं क्या नहीं, नहीं, इट जस्ट एड इट वुड हैव एडेड मोर डेप्थ टू इट. फॉर मी आई वुड लाइक टू मे पीपल हु हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव लाइक आई वाज डूइंग अ जॉब शाजिया वंस
I was not happy with it. Everything else in my life was okay, but that job was not. And I hated it. I hated it. I used to cry. Yeah, me too. I've So done I can understand. So that. तुम सोचो ना, Yeah. तुम ये बात करी थी तो मैं वही हाँ. सोच रही थी कि भाई अगर आप कभी इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं ना, टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, इट इज अजियत. आई एम नॉट जोकिंग, इट इज अजियत. एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज. सो मे बी आई कैन अंडरस्टैंड ठीक वॉट है, दिस. यू कन्विंस मी राबी, And ओके आई now, गॉट shout इट. out to Meera, shout out to Yumna Zaidi. I love that direction part. मुझे अच्छा लगा direction, script, Yumna की performance, everything. उन्होंने कोई dialogue नहीं बोला. And by the way, I wanted to tell you, Meera ने एक दफा, Yumna ने एक दफा भी blink नहीं किया उस scene में. मेरा दिल चाहता मैं उसी वक्त तुम्हें call करूं, बोलूं, शाजिया, Yumna has not blinked even once in कौन that. सा वाला, येलो कपड़ों वाला सीन जो पे उससे पिछले वाले एपिसोड में हुआ था, या ये वाला, ये लेंस कैमरा वाला? जब वो कैमरे का बताती है तो शी इज जस्ट लुकिंग एट हर, एंड फिर उसकी आंख से एक आंसू यहाँ से निकलता है, वो साफ करता है, फिर एक और आंसू निकलता है, फिर यहाँ से एक और आंसू निकलता है, एंड शी जस्ट डज नॉट से एनीथिंग, एंड शी इज जस्ट लुकिंग एट हिम, यू नो. ठीक है नहीं, वो अच्छा सीन था. एंड आई ऑल्सो लाइक द वे दे डिड इट, उन्होंने डार्क बैकग्राउंड के पीछे किया, अंदर किया घर में, और उसे उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूं तो मैं रो भी नहीं सकता, मैं दैट कुछ कह वाज भी नहीं सकता. Those, yeah, those dialogues were very powerful, and it was, and he says, and I, you know, I really felt for Murtuza at that time, and it added more layer to his character when he Yes. says कि तुम्हारी बदतमीजी मैं इसीलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ. ठीक है, yes, but definitely it is balanced over here, and you want to see मुर्तसिम का reaction मीरब के साथ क्या होगा. एक तो वो बचाएगा कैसे, और मीरब के साथ क्या होगा, वैसे मेरा ख्याल था ये तो कि देखना. कैमरे कैमरे वाला रात जाने के बाद मीरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देंगी, लेकिन अभी तक वो नौबत आई नहीं है, वो सोफे पे ही सो रहे हैं. सो मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी उस चीज. मेरा सीन आया था कि वो मॉल में से जो गायब हो जाती है, बिल्कुल उस पे मुर्तजा को ज्यादा गुस्सा आएगा या सब, बिकॉज दैट वाज अ वेरी सीरियस थिंग कि भाई गायब हो गई, कहाँ गई. मैं तो एक चिप लगा दूं मीरा के अंदर, उसके बाद भी तुम जहां भी जा रही हो पता होना चाहिए, तुम तो एकदम से उठ के चली जाती हो, कभी गाड़ी के अंदर कभी कहीं. सो या He is very ओके, yes, कुछ कुछ अनकही. अच्छा, सो काफी कुछ हो चुका है भाई. वो तो लंच पे लेके जा रहे थे, आई लव्ड उनका रिएक्शन आलिया का. उन्होंने कहा आप खाना खाएं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं ऑफिस जाके खाऊंगी. आई वॉज थिंकिंग ये क्या करेगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये साथ इसके कर लेगी जो भी इसको करना है, यू नो शी विल स्विच. बट या तो मुझे दोनों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज शी डज I love it एग्जैक्टली कि, व्हाट शी डज. and that is why I'm saying, and I'm gonna repeat it again, that look at Alia's character, how interesting it is. Look at Sajal's performance, how brilliant it is. It is like that whole scene from the car to the lunch, it wasn't it a pure treat to watch, you know, kitna maza aa raha tha. And itni matlab it was a very normal scene, na usme rona hai, na usme cheekna chillana hai, na usme torture hai, बट फिर भी सजल की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी टू कम्युनिकेट टू अस कि भाई तुम असफर को क्या कर रही हो. तुमने बोला बेटा तुम समझ क्या रहे हो, तुमने जितनी बातें बोली थी मैं एक एक करके, एंड वाकई वो ही डजंट हैव हिज ओन से नाउ, वो ही उसको रिएक्ट कर रहा है, वो ही इज नॉट एक्टिंग ऑन हिज ओन विल, ही इज रिएक्टिंग टू वॉट आलिया इज डूइंग और आलिया इज सेइंग. एंड इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया आलिया का कि वो बड़ी बिल्कुल डिबो डिबो के उसको मारती है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा नहीं था, आप मुझे बता देते तो मैं ये भी कर लेती और मैं वो भी कर लेती, और ये कि मुझे हर वक्त अपनी लॉयल्टीज नहीं देना पसंद है. एंड वो गिव अप नहीं करती है, शी रिमाइंड्स हिम अगेन कि ये जो आप गलत कर रहे हैं कि पुराने जिन लोगों ने पैसे बुकिंग की भी, आप उनका उनके पैसे भी बढ़ा रहे हैं. सो बिल्कुल. लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ अ कैरेक्टर, सो इट वुड हैव बीन सो नाइस टू सी मोर ऑफ हर. आई थिंक द मैसेजिंग दैट आलियास कैरेक्टर इज गिविंग इज अमेजिंग, क्योंकि अमेजिंग. यहाँ नॉर्मली लड़कियां जो है वो कॉर्नर हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि अच्छा अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा बॉस है और हमें ये करना होगा, बट शी इज नॉट गेटिंग कॉर्नर, शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स. फिर भी उसको पता है कि ये आदमी डिफिकल्ट है. सर आप बता देना आप कब मजाक करें कब आप मजाक नहीं करें, क्योंकि लेकिन लेकिन सलमान ने देख लिया उनको. उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट शरिया मुनावर्स परफॉर्मेंस. आई एम एंजॉयिंग इट सो मच. लाइक यू कांट डिसाइड कि इस वक्त क्या दिमाग में चल रहा है इस कैरेक्टर के, और वो ग्रे है, वो नॉर्मल है, और इज ही अ लिटिल यू नो दिस इन हिज माइंड अप देयर, बिकॉज व्हेन ही लाफ्स हिज लाफ इज नॉट नॉर्मल. यू लाइक इट्स स्केरी, इट्स अ बिट यू नो, ये स्टंट्स भी है इट्स एंड मेस्ड अप. it's messed up, you know, and Alia is handling it so well, and it's so refreshing to see Shahriyar Munawar in this character, because it's completely opposite to what he's done in the recent you know projects, or you can't miss this
negative toxic streak in his character. Yes, इस वेरी डे उनके अब्बा ने कहा था ना ये तो बहुत बदतमीजी करेगा उसके साथ, बट सहरिश न्यू हा, सहरिश सर आलिया जैसी लड़की मैंने देखी नहीं है, आप नहीं जानते उसको, वो हैंडल कर लेगी. एंड देन ये सहरिश ने सलमान को जॉब ऑफर कर रही है, यहाँ क्या चल रहा है? सबसे पहले यू वांट टू टॉक अबाउट के क्या नाम है यार, सलमान, सलमान ने देख लिया आलिया और वो गुस्से में जो वो गए हैं. सलमान ने देख लिया और वहां जो है ना अब उनका, बिकॉज नाउ ही इज गोइंग टू थिंक कि बिल्कुल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ही हो रहा है. सो ही इज फाइटिंग टू एंड फाइव टुगेदर, और वो घर में आके तो बड़े नाराज रहेंगे, अब अम्मा के ऊपर, बेचारी के ऊपर सारा निकलेगा. सलमान की ना इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है. सो एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हिज कैरेक्टर बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ द ड्रामा, एट लीस्ट वी आर अज्यूमिंग, बट ही इज नॉट परफेक्ट. लाइक आई जस्ट लव दिस, यू नो, कि ही इज सो, उसके इतने इश्यूज हैं, नखरे बहुत हैं, बदतमीजी बहुत करता है, इनसिक्योर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, यू नो, लाइक सो इट इज हिज ओन इनसिक्योरिटी के वो इतना बड़ा इंसान है, इतना इस्टेब्लिश्ड है, वो आलिया कोई बेहतर फ्यूचर दे सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यू नो, एंड आई एम क्योंकि जस्ट. आलिया ने उसकी हामी नहीं भरी है ना किसी चीज की, आलिया ने कुछ भी नहीं कहा है, तो उसको तो नहीं पता कल आलिया चली जाएगी अस्पर के साथ, शी बी राइडिंग इट टू द सनसेट एंड वेविंग टू हिम, तो सलमान तो रह जाएगा ना अकेला. सो आई जस्ट फील अ लिटिल बिट सैड दैट वो उसका जो बिटर रिएक्शन है ना, आई डोंट वांट टू सी दैट फ्रॉम सलमान, यू नो, मुझे मुझे दरवाजा जोर से बंद किया, आई वांटेड हिम टू लाइक, ठीक है नहीं आती तो नहीं आई, मुझे सलमान से ये रिएक्शन चाहिए था, बट आई आल्सो लाइक इट दैट ही इज सो लाइक इम्परफेक्ट दैट यू आर शोइंग, कि वो के ना अंगूर खट्टे हैं, या क्या अंगूर खट्टे तो नहीं सही बात होगी, बट लाइक ही इज जस्ट बिटर अबाउट दिस होल थिंग कि He's मुझे. in love. They showed us that he's in love, and he can't take this because they. I mean, वो आलिया के उससे तो ऑफर भी किया था ना, उसके साथ नाश्ता किया ना, उसके साथ लंच किया. यहाँ तो वो चली गई लंच करने. तो हाँ, यू आर राइट, मैं तो आप भूल सलमान गई. बेचारे को जो है ना उनकी महरूमिया और उनकी आधी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई हैं वो तुम सही सब कह रही हो, यहाँ. सही कह रही हो, सलमान इतना तपा हुआ इसलिए क्योंकि वो उसके साथ तो गई नहीं थी, अब उसको रियल स्टोरी क्या पता, यू नो, और तुम उसके बॉस तो हो, तो नहीं और तुम उसके बॉस तो नहीं हो ना. पता, हाँ ये भी नहीं पता कि आलिया ने या बट अम्मा सही सुनाती कुछ है सलमान की, उधर भी उन्होंने बोला उसको कि ये तुम ये यू नो, सो आई लाइक दैट खाया कि था. वो अम्मा तो सहरिश पे छलांग लगाने वाली थी कि अच्छा कुछ सहरिश शी इज फनी. करा दो किसी तरीके से ना, इट्स सो टिपिकल. खैर, नाउ कमिंग टू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, हाँ, सहरिश ने क्यों जॉब ऑफर की सलमान को, बिकॉज उसका बाप कह रहा है ना कि भाई तुमने मुकाबला करना है वहां से असफर ने, जो है, मैं सही नाम ले रही हूँ, असफर ही नाम है ना, मैं असफर आलिया को कर लिया, तो तुम्हें भी तो तुम्हारी टीम चाहिए, यू ऑल्सो नीड समबडी हु कैन गो एंड डू स्टफ, सो यू गेट समबडी ऑन बोर्ड, तो इसलिए उसने कहा कि इस काम के लिए, एंड ऑल्सो शी इज वेरी शार्प, शी इज गोना पिट हिम अगेंस्ट असफर एंड आलिया, बिकॉज उसको पता है ये पूरा फुल जो है ना जज्बे से काम करेगा सलमान. कहते हैं ना शतरंज के खिलाड़ी, दैट इज व्हाट सहरिश इज डूइंग. लेकिन मुझे अगेन यहाँ मुझे साइलेंट मैसेजिंग बहुत अच्छी लगी, उनके अब्बा ने कहा इस दफा किसी लड़के को लेना, क्योंकि लड़का इंसेक्टिव, आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सब कुछ कर लूं, लेकिन यहाँ सो दीज लिटिल मैसेजेस आर कमिंग इन डायलॉग्स थ्रू आउट, एंड देयर इज अ नैरेटिव दैट्स बीइंग पुश्ड, एंड इट्स ब्यूटीफुल And टू सी also it's दैट. so interesting to see Shazia that बाप अपनी बेटी को तो बोल रहा है, like so many times you know, बजाहिर आप कुछ चीजें करते हैं, आपको लगता है यार ये कितने broad minded या you know, progressive लोग हैं, लेकिन then there are certain things जो हमारे अंदर inbuilt हैं as humans, as बिल्कुल और जो जो एक्चुअली हमने, अब हम अभी तक पुराने जमाने में रह रहे, कि अपनी बेटी को तुम एक ठंडे बड़े से एसी वाले ऑफिस में रख के तो बोल रहे हो जाओ फाइट करो, लेकिन तुम कहते हो कि एक लड़की जाके वो काम नहीं कर सकती जो मजदूर करते हैं, या वो उसको भाग भागम दौड़ नहीं कर सकती, सो यू आर मेकिंग अ जजमेंट कॉल हियर, यू नो, एंड दैट शोज द डबल स्टैंडर्ड्स, मे बी ऑल ऑफ अस हैव इट, हम भी और शायद. दैट शोज द जनरलाइजेशन कि मेरी बेटी तो फर्क है मैं जानता हूं, लेकिन इन जनरल औरतें ये काम नहीं कर सकती, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दैट इज ऑल्सो अ डबल स्टैंडर्ड के. या अच्छा अब या I just love कुचन कहीं, मुझे इतना मजा आता है इस ड्रामे में, लाइक जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता जा रहा है, सारे कैरेक्टर्स हैव सो मेनी इंटरेस्टिंग लेयर्स टू देम, लाइक अभी जो नया शुरू हुआ है आगा जान का और उनकी बीवी का, वो क्या है, इज इट रियली सीरियस, क्या वो कुछ सामिया को करने के लिए कर रही है, जो झुमका मिला है वो उसको, क्योंकि वो उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली, और वो भी जो है वो पीछे पड़ी हुई है और फुप्पो ने उनका साथ दिया, तो इज दिस अ होल ड्रामा, और आर दे ट्राइंग टू से कि
ये चीज होती है ओवर द टाइम रिलेशनशिप्स में, सही हो जाती है क्या, वो अपनी बेटी को थोड़ा सा वो, मुझे समझ नहीं, व्हाट इज योर कॉल? एक्चुअली वो काफी कंफ्यूजिंग है और वो अगली दफा दिखाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं पप्पो का तो हाथ नहीं है इसमें सोफिया का, बिकॉज आई थिंक शी वॉन्ट्स सामिया टू स्टार्ट थिंकिंग और द मदर टू स्टार्ट थिंकिंग, के शमो टू स्टार्ट थिंकिंग कि आपने क्या किया है सैफ और इनको मिला के, मुझे मिल, क्योंकि वो बहुत डिफेंड कर रही थी अपने भाई को, कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा ही डिफेंड कर रही थी और कह रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकता डा डा डा, एंड सोफिया इज ट्राइंग, अच्छा मुझे वो भी, सो या So that's what I think is going on. मेरा दिमाग बिल्कुल उस तरफ Something. नहीं गया, बट यस यू आर राइट, मे बी ये हो सकता है. बट वो पूरा जो था वो अच्छा, मुझे तो खास मजा भी नहीं आया सॉरी उस ट्रैक में. आई विश कि उसको जल्दी हाँ से मुझे समझ नहीं आया बिकॉज वो एक्चुअली थोड़ा सा ऑफ, इट वाज नॉट जेलिंग इन विद व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो. एंड आल्सो दे शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि माँ बेटियों के सामने ये नहीं करती, बाप के साथ यू नो, बिल्कुल गर्ल आई वो टोटली अग्री. करती. सो बिकॉज यू डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और रॉन्ग यू नो, सो नो दैट्स फाइन. नो बट नाउ कमिंग टू सैफुर रहमान, सामिया एंड जी शगुफ्ता. सो आई लाइक इट कि दे हैव केप्ट अस गेसिंग, हमें नहीं पता कि सामिया क्या करेगी और सैफ क्या करेगा एंड शगुफ्ता किस हद तक जाएगी और उनकी अम्मा किस हद तक जाएंगी घर लेने के लिए. सो वो कहानी एंड द फैक्ट दैट दे आर कीपिंग अस इन्वेस्टेड डिस्पाइट द फैक्ट कि ये हमारे मेन लीड कैरेक्टर्स नहीं है, आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सामिया जो कर रही है अब तरफ से बिल्कुल ठीक कर रही है और उसका कैरेक्टर भी सही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर उनकी मदर इन लॉ ने कपड़े पहने उसको, उसको बहुत सारी, उसको सिर्फ अपनी चीज करनी है कि वो अपना काम करे और वो शायद बाहर भी काम कर ले इवेंचुअली, लेकिन सैफ ने भी उसको कह दिया कि तुम ये कर सकती हो ये नहीं कर सकती. आई थिंक नाउ द डिसीजन लाइज ऑन सैफ, क्या सैफ आगे बढ़ेगा या वो 2 फुट पीछे जाएगा, आई थिंक दैट इज वेयर सामिया विल डिसाइड. What do you think? मुझे इसका तो जवाब नहीं पता, एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, एंड आई डोंट थिंक कि हम ऐसे इसका जवाब दे सकते हैं. अभी आगे बहुत कुछ होगा. व्हाट आई रियली लाइक इज सैफ्स कैरेक्टर, एंड जब ये सैफ की जितनी चीजें हो भी रही थी तो मैं सोच रही थी कि मोहम्मद अहमद साहब ने कितना जबरदस्त कैरेक्टर लिखा है. इनिशियली एंड इवन नाउ आई डू हैव एन इशू कि आपने जबरदस्ती शादी कराई और फिर आप दिखाएंगे कि थिंग्स आर वर्किंग आउट. आई विश ये नहीं होता, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव होप, दिस होप टू एनी गर्ल कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें एक चीज में जो जानते बूझते गलत है, जो आपको पता है रेड फ्लैग्स है, एंड देन होपिंग दैट दिस वुड वर्क आउट, बिकॉज इट डजंट वर्क आउट, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक केस. अगर तुम सैफ की पर्सनैलिटी लो, जो तरीके से शगुफ्ता आई और जो शगुफ्ता ने उसको डंडा दिया है, सैफ की तो हालत खराब, कोई मोहब्बत नहीं नजर आई मुझे, मुझे डर नजर आया, मुझे लगा ये शी इज अ बुली. ये जो जो वो जिस तरह मतलब दिस वॉज इंटरेस्टिंग रोल रिवर्सल. मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि एक औरत को एक मर्द ने जहनी तौर पे इतना अपाहज कर दिया है, जो एक इमोशनल बुलिंग होती है या इमोशनल क्या कहते हैं मारपीट को, वायलेंस होता है ना, ये वो है डोमेस्टिक वायलेंस का इमोशनल साइड. जो अगर आप देखें दिस इज व्हाट शी इज डन टू हिम, बिकॉज उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो जवाब दे सके. वो पैरालाइज्ड है, ही हैज टू डू व्हाट शगुफ्ता इज सेइंग, और वो उसको अभी तक मोहब्बत समझता रहा था. अब जो सामिया आई है, विच इज नर्म सॉफ्ट, एंड यू नो शी गिव्स हिम रिस्पेक्ट, शी लिसन्स टू हिम, शी गिव्स हिम पावर, शी टेल्स हिम, वो बड़ा जुमला सामिया इम्पोर्टेंट की घर वाली भी, है, घर वाले भी, सामिया की घर वाली घर वाले भी. भी. और सामिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला बोला कि मेरे लिए नहीं, लेकिन आज या कल, देर या सवेर, आपको मम्मी के सामने अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा. नोबडी हैज पुश्ड हिम टू डू दैट, नोबडी हैज टोल्ड हिम टू डू दैट. शगुफ्ता आज तक कहती आई है तुम छोड़ो मैं तुम्हारी मार्क से बदला कर लूंगी. तो उस एंड आप इसको मर्द और औरत की वॉर निकाल दीजिए, उसको उसकी तफरीक खत्म कर दीजिए. ही एज एन इंडिविजुअल हैज नेवर बीन गिवन रिस्पेक्ट एंड पावर टू डू थिंग्स दैट ही वॉन्ट्स टू डू, एंड नाउ सडनली देयर इज अ पर्सन हु इज शोइंग हिम कि देखो मैं तुमसे शायद वीक हूँ, तुम्हारे पास तो बहुत सी चीजें हैं, मेरे पास तो इतने, मैं मजबूर हूँ बहुत जगह पे जहां तुम नहीं हो, फिर भी देखो मैं किसी रिस्पेक्ट से कर रही हूँ और मैं अपनी चीज पे लगी हुई हूँ, और वो उसको इज्जत भी दे रही है. तो मुझे ये केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. आई जस्ट डोंट नो हाउ दे विल हैंडल इट आगे, मैं देख रही हूँ. आई जस्ट विश वो बस जबरदस्ती शादी का और ना चाहते हुए शादी का जो एंगल था, नॉट जबरदस्ती शादी बट नोइंग कि ही इज हैविंग एन अफेयर एंड देन गेटिंग आई हर लव मैरिड. सामिया स्ट्रेंथ, आई लव सामिया स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, आई लव, वो आलिया से बहुत मुख्तलिफ है, या वो
है अपने अंदर, लेकिन वो आलिया नहीं है. इसी तरह अलग अलग लड़कियां होती हैं. एंड आई लाइक इट कि हम अपनी मर्जी सामिया पे नहीं ठूस रहे, हम राधा देन कि हम वो चाहे कि हम जो चाहते हैं वो हो, हम देख रहे हैं कि जानी इसको कहाँ लेकर जाती है. अच्छा वो सीन बड़ा क्यूट था जब वो अम्मा को कह रही होती है कि आप आके खाना खाए, कहती सैफ ने तो खाना खा लिया होगा, सैफ ने बोटियां निकाल के चली थी वापस रखी. तो क्यूट थिंग्स, इवन दैट सीन मुझे बहुत, एक्चुअली खड़े हुए थे वहां और वो कह रहे थे क्या करूं क्या करूं, इनके लिए बर्फ लेकर आ. एंड दैट होल सीन जब वो सोफिया उनको समझाती है प्यार से कि देखिए आपकी बहू बहुत अच्छी है, वो ऐसी है वैसी, मुझे लग रहा था शायद कहीं जाके उनके दिमाग में लग जाए ये बात, आई होप लग जाए. तो और थानवी, थानवी के एक्सप्रेशन जो चेंज हुए थे उसके ऊपर, तो ऑल दैट वाज ऑल्सो द अलॉट हैपेंड इन द एपिसोड, काफी काफी कुछ कुछ हुआ हुआ कि उससे. सैफ को उन्होंने दिखाया कि वो घर वालों को कहता है कि अम्मा भी आ रही है, आप कैसे डील करेंगे, एंड यू नो ही शोज दैट ही इज नॉट फॉर इट. तो इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, मजा आया देख के. हाँ यस, एंड द वे घर वालों का थोड़ा सा इम्पैक्ट, थोड़ा सा चेंज हुआ उसके ऊपर जब उन्होंने देखा कि अच्छा ही इज नॉट दैट बैड. एंड दैट डिफरेंस उसने कहा ना, ही मेड हर, शी मेड हिम रियलाइज कि आप कर्टियस हैं, मुझे उर्दू में वर्ड नहीं याद आ रहा, आप बदतमीज नहीं हैं. हाँ आप जरूर यू नो यू यू डोंट से व्हाट यू वांट टू से, लेकिन दैट्स नॉट बिकॉज यू कांट से इट. एंड घर वालों ने भी ये बात नोटिस करी. तो और अम्मा भी कोशिश कर रही है, शम्मो इज ऑल्सो ट्राइंग. तो शम्मो भी कहती है थोड़ा सा सैफ को कि तुम्हें कोशिश करना चाहिए अपनी अम्मा को समझाने के लिए. तो वो जो शुरू में हमने बात करी थी ना, जो सोफी पोपो ने कही थी कि हम उसके साथ रहें, हम उसको सपोर्ट करें, दे आर डूइंग दैट. एंड दैट एक्चुअली अब जब हमारी इतनी लंबी बात हुई है कुछ अन कहीं पे, आई वॉन्ट टू से कि राबिया जब हम शादियां करते हैं ना लड़कियों की, फिर हम उनको छोड़ देते हैं, फिर हम कहते हैं अब तुम्हारा ससुराल है तुम्हें मैनेज करना है. दे आर नॉट, वो उनको उसको उल्टी पट्टी भी नहीं पढ़ा रहे सामिया को, वो कोशिश करें कि वो अपने ही माहौल में खुश रहे, लेकिन उसको हेल्प करें. अब देखो सोफी पप्पू को क्या जरूरत थी जाने की, वो गई, उन्होंने जाके बात करी, प्यार से बात करी, लेकिन फर्मली बात करी, सो दैट उनकी अम्मा को पता है कि यहाँ कोई है उसका देखने वाला, ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया बिल्कुल. सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, द मैसेजेस आर गोइंग, दैट इज ऑल. बताइए दैट आपने इज और बात करनी है, वरना फिर हम रैपअप करते बहुत मजे का मैच हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का रावलपिंडी पे, वेरी गुड हिटिंग, सम ग्रेट रन्स, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू वॉच, जिसमें न्यूजीलैंड मेड आई थिंक 365 और 300 एंड समथिंग, बहुत ज्यादा उन्होंने मारा पीटा, और हमें लगा कि पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चेस कर सकता बिकॉज वी आर नॉट ग्रेट एट चेसिंग, बट वी डिड इट एंड इट वाज वेरी फैंटास्टिक. सो इफ यू हैवंट वॉच, गो वॉच द हाईलाइट्स, दैट वाज माय हाईलाइट फॉर द वीकेंड, लेबर डे वीकेंड. मैंने मैच नहीं देखा. आई वॉज कैचिंग अप ऑन माई ड्रामास एंड माई बुक्स. सो दैट इज ऑल फ्रॉम आर साइड. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर कीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज़.